मैपिंग. सो वी आर लेफ्ट विथ अ फ्यू माउंटेन्स, राइट? यस सर. वी आर लेफ्ट विथ फ्यू माउंटेन्स, बट बिफोर दैट विल टेक अ क्विक रिविजन. आई विल शेयर माई स्क्रीन. विल फर्स्ट स्टार्ट विथ अ वेरी क्विक रिविजन. ओके, टेल मी, थोलघाट एंड भोरघाट कौन से स्टेट में, विच स्टेट सर? थोलघाट भोरघाट मुंबई सर. मुंबई स्टेट. ओके, थोलघाट महाराष्ट्र. महाराष्ट्र. विच वन इज इन द नॉर्थ, थोलघाट और भोरघाट सर? विच वन नॉर्थ में कौन सा है इन दोनों में, नॉर्थ में कौन सा है? थोलघाट सर. भोरघाट. यस, याद कराया था. टीबी अच्छा नहीं है, लेकिन हमें याद करने के लिए रटना पड़ेगा. थोलघाट एंड भोरघाट. टी बी, टी ऊपर बी नीचे, सॉरी, थालघाट एंड भोरघाट. थालघाट भोरघाट. फिर हमने नीलगिरी अन्नामलाई कार्डमम नाक पढ़ा था. नाक के बीच में ये पलक्कड़ गैप, पालघाट और सेनकोटा गैप पढ़ा था. नाक. बताओ डोडा बेटा कौन से स्टेट में? डोडा बेटा कौन से स्टेट में? डोडा बेटा तमिलनाडु. हाईएस्ट है कि सेकंड हाईएस्ट है? सर इट इज सेकंड हाईएस्ट. सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ, सेकंड हाईएस्ट पीक पेनिनसुलर इंडिया. हाईएस्ट कौन है फिर? हाईएस्ट है सर अनाईमुडी. अनाईमुडी कौन सा है? अन्नामलाई हिल्स. अनाईमुडी कौन से स्टेट में? अनाईमुडी कौन सा? केरला. 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 वापस अगस्त्यमलाई कौन से हिल्स में? अगस्त्यमलाई कार्डमम हिल्स है. कार्डमम हिल्स में इन तमिलनाडु. अगस्त्यमलाई इज इन तमिलनाडु. ओके ओके, वापस देख लेते हैं. सारे हो गए, ठीक है. ये रहा नाक. नाक में है नीलगिरी अन्नामलाई कार्डमम. नीलगिरी में घुसेंगे तो नीलगिरी में डोडा बेटा है, सेकंड हाईएस्ट ऑफ द पेनिनसुलर इंडियन, हाईएस्ट ऑफ तमिलनाडु. फिर हम गए अन्नामलाई, नाक का ए. अन्नामलाई में अनाईमुडी विच इज इन केरला, हाईएस्ट पीक ऑफ इंडियन पेनिनसुलर इंडिया. फिर नाक के सी में गए कार्डमम हिल्स. कार्डमम हिल्स में अगस्त्यमलाई इन तमिलनाडु, राइट? ये इतना हो गया, ये पूरा क्लियर हो गया. ये यहाँ पे है नाक में. इन तीनों के बीच में गैप कौन सा है? यहाँ पे कौन सा गैप है, क्या है इसका नाम? सर दैट इज पालघाट सर. पालक्कड़. पालघाट गैप. यस, पालघाट और पलक्कड़ गैप. यस सर. यस सर. पलक्कड़ गैप. पालघाट और पलक्कड़. एंड देन वी हैव हियर सेनकोटा गैप. सेनकोटा गैप. सेनकोटा गैप ये तमिलनाडु के, मैंने बोला था एक बार मैप में देख लेना. जावड़ी जिंजी शेवराय है. सबसे लास्ट में कौन सा है? वरुषन. तिरुमलाई. पंचमलाई पालनी. यस सर. जावड़ी जिंजी शेवराय. वरुषन. हो गया, अच्छे से किया था. ये तमिलनाडु हो गया था हमारा. ये हमने प्लेटूज देख लिए थे. मेवाड़ बुंदेलखंड. मेवाड़ इज ईस्ट ऑफ अरावली. बुंदेलखंड एमपी यूपी मिला के. बघेलखंड इज एमपी. छत्तीसगढ़ एंड वेरी स्मॉल यूपी बघेलखंड. ठीक है. मालवा प्लेटू एमपी में. छोटा नागपुर प्लेटू. नॉर्थ में हजारीबाग. साउथ में रांची किया है हमने. झारखंड में दंडकारण्य इज इन साउथ ऑफ राजस्थान. और उसके भी साउथ में कौन है? बस्तर. बस्तर प्लेटू सर. बस्तर प्लेटू, राइट? यस सर. यस सर. ओके, दंडकारण्य देन बस्तर. ओके, अब इसके बाद हमने डेक्कन प्लेटू किया था. महाराष्ट्र प्लेटू, तेलंगाना प्लेटू एंड कर्नाटका प्लेटू. कर्नाटका. और ये फिर कार्बी एंगलोंग प्लेटू हमने किया ना. यस सर. हाँ, कार्बी नॉर्थ ईस्ट में सर. मेघालय एंड असम. ओके, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. ओके, अभी मैं ये एक बता रहा हूं, इसको केवल सुन लो. ये न्यूज में था इसके लिए. एक प्लेटू है कोलेश्वर प्लेटू और कोल प्लेटू. ये है महाबलेश्वर के पास. वैसे ये पार्ट नहीं है, नहीं पढ़ाया जाता, बट पिछले साल न्यूज में था फॉर सम रीजन, इसीलिए अभी रट लो. कोलेश्वर प्लेटू कहाँ है? कोलेश्वर प्लेटू कहाँ है? यहाँ कहीं महाबलेश्वर के पास. दिस इज महाराष्ट्र का रफ मैप, रफ डायग्राम. यहाँ कहीं महाबलेश्वर है और यहाँ पे है कोलेश्वर प्लेटू. सिर्फ इस साल न्यूज में है, अगले साल फिर से शायद. अगर न्यूज में नहीं रहा तो नहीं पढ़ने जाना होगा, या पिछले साल नहीं पढ़ा था लोगों ने, इस साल फॉर सम रीजन इट वॉज इन न्यूज. बस कोलेश्वर प्लेटू कहाँ है, रफ आइडिया होना चाहिए. महाराष्ट्र में है, इसके पास है, महाबलेश्वर हिल्स के पास है. ठीक है, पुणे में जो महाबलेश्वर है. बस डन, ये हो गया. बताओ कुद्रेमुख कहाँ है? कुद्रेमुख कहाँ है? वेयर इज कुद्रेमुख? सर कर्नाटका सर. कर्नाटका. तो मुलायमगिरी कहाँ है?
सर कर्नाटका, कर्नाटका ही सर, मुल्यानगिरी इट इज द हाईएस्ट हाईएस्ट पीक ऑफ कर्नाटका। मुल्यानगिरी का है, मुल्यानगिरी, मुल्यानगिरी इज आल्सो, मुल्यानगिरी इज आल्सो देयर। ओके शेवरॉय का है, शेवरॉय, शेवरॉय तमिलनाडु सर। बाबा बुदान हिल्स का है, बाबा बुदान कर्नाटका सर। हरिश्चंद्र घाट का है, हरिश्चंद्र घाट महाराष्ट्र सर, महाराष्ट्र। सबसे नॉर्थ में कौन सा है महाराष्ट्र में? गाविलगढ़, गावलीगढ़। उसके बाद कौन सा है? अजंता, अजंता। याद रखो गावलीगढ़, अजंता, अजंता। मैप है ना, इसमें ये गैप्स को, ये गैप्स को याद रखो, समझने की कोशिश करो, नेशनल पार्क रटने में भी काम आएगा ये। एक ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये पार्ट है, ये नेशनल पार्क में काम है। गावलीगढ़, अजंता, फिर सतमाला, बालघाट और हरिश्चंद्र। यहाँ का हाईएस्ट कौन है? कलसुबाई, कलसुबाई पीक इज द हाईएस्ट, राइट? ओके, धूपगढ़, धूपगढ़ एमपी, ईस्ट या वेस्ट? महादेव, धूपगढ़ मिडिल सर, मिडिल, महादेव हिल्स, महादेव। कैमूर, 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 ईस्ट और वेस्ट? विंध्यन ईस्ट, विंध्यन ईस्ट, राजपिपला, 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 वेस्ट ऑफ द वेस्ट, सतपुरा, सतपुरा रेंज, माइकल रेंज, माइकल रेंज, ईस्ट ऑफ द सतपुरा, ईस्ट, वेरी गुड। अमरकंटक, कैमूर, विंध्यन, सतपुड़ा, इसमें लेफ्ट में राजपिपला, बीच में महादेव, अमरकंटक, माइकल रेंज और ये धूपगढ़। धूपगढ़ जी हाईएस्ट हो गया पूरा एमपी। चलो yes, गुजरात हमने देखा था, गिरनार मांडव है ना, राजस्थान का हाईएस्ट गुरु शिखर। बताओ अरुणाचल के, बताओ अरुणाचल के पहाड़, बताओ, बताओ एक सांस में बताओ अरुणाचल के कौन से पहाड़ थे? दिफू, अबोर, मिरी, मिश्मी, कांगटो एंड नामचा बरवा। यस, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, डाफला, मिरी, अबोर, कांगटो इज हाईएस्ट। यस, कांगटो इज द हाईएस्ट, डाफला, मिरी, अबोर, मिश्मी। इसी के साथ एक ही सांस में बताओ मेघालय के, बताओ सर, मेघालय, गारो खासी जयंतिया, गारो खासी जयंतिया, यस, शिलोंग और फांगपुई। शिलोंग कहाँ है? मेघालय, मेघालय, यस, फांगपुई मेघालय में है सर? यस सर, फांगपुई मिजोरम सर, शिलोंग को ही कहते हैं। नो नो नो, ये फांगपुई है, ब्लू माउंटेन को कहते हैं। ओके, फांगपुई, ये नेशनल पार्क भी है फांगपुई। देखो थोड़े थोड़े हो गए, नेशनल पार्क हो गया फांगपुई, यही पे ठीक है। माउंट ईसो, ईसो कहाँ है? ईसा, मणिपुर, ईसो, ईसो, मणिपुर, ईसो है, मिजो लुशई, लुशई, मिजो लुशई, मिजो लुशई, मिजो लुशई, त्रिपुरा का बैटलिंग सिब, बैटलिंग सिब, डाफला, सारा का सारा माटी, सारा माटी, सारा माटी, नागालैंड, सिंगल सिंगल ही है नागालैंड में, सिंगल सिंगल ही होता है नागालैंड में। हमने पीक एक पढ़ा, नागालैंड में नेशनल पार्क भी एक ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब थोड़े से कर लेते नीचे, बताओ नाथुला, नाथुला, जेलपला किधर है सर? सिक्किम सर, सिक्किम है, यस। एमटीएनएल का, एमटीएनएल, नाथुला, जेलपला, एमटीएनएल कहाँ है? उत्तराखंड, उत्तराखंड, उत्तराखंड क्या है? थंगला, मनला, टी ऊपर है, बोलते हैं एमटीएनएल लेकिन टी ऊपर है, थंगला, मनला, नीतिला, मनला, नीतिला, लिपुला, लिपुलेखला। ओके चलो आओ, अंडमान निकोबार के ऑर्डर पढ़ते हैं। ये सीडीएस एग्जाम देंगे अगर, या और यूपीएससी के इधर उधर देते हैं तो उसमें डायरेक्ट पूछ लेता है। यूपीएससी में डायरेक्ट पूछे जाने का एक सिंगल क्वेश्चन चांसेस कम है, बट अलॉन्ग विथ स्टेटमेंट्स हो सकता है पूछ ले, ठीक है। ये एक क्वेश्चन पक्का रहता है सीडीएस में, तो पक्का है। अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो पता होना चाहिए, क्या पता तीन चार स्टेटमेंट जो देता है उसमें एक डाल के पूछ ले, स्टैंड अलोन क्वेश्चन तो नहीं, बट तीन चार एक डालता है, एक ही चीज करनी है। देखो नॉर्थ, मिडिल, साउथ, अंडमान में दिक्कत नहीं है, पहले नॉर्थ में नॉर्थ आएगा, सबसे पहले तो ऊपर से नीचे जा रहे, नॉर्थ ही आएगा ना, नॉर्थ के बाद मिडिल आएगा बीच का है ना, फिर साउथ आएगा, फिर सबसे छोटा आएगा लिटिल अंडमान, ठीक है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, साउथ अंडमान, फिर सबसे छोटा लिटिल अंडमान। साउथ और लिटिल के बीच में एक है पानी समुद्र, उसको कहते हैं डंकन पैसेज, ठीक है, डंकन पैसेज। वापस नॉर्थ टू साउथ में अंडमान, अंडमान के कितना, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, लिटिल सबसे ऊपर है कि नीचे? नीचे, नीचे, नॉर्थ, मिडिल, साउथ, लिटिल, हो गया। अब अंडमान और निकोबार को कौन करता है? 10 डिग्री चैनल, यानी 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड जो है वो पास होता है यहाँ से, 10 डिग्री नॉर्थ, ठीक है, 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, डन। अब निकोबार में ऐसा नहीं है, निकोबार में लिटिल, इसको याद कर लो, सीएनजी पता है, सीएनजी, सीएनजी वैसे याद कर लो, सीएलजी, सीएलजी, या तो कॉलेज याद कर लो, सीएलजी कॉलेज, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है, कॉलेज या सीएलजी, व्हाट एवर यू लाइक, कॉलेज, सीएलजी कॉलेज, कार निकोबार, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार, ठीक है।
तो नॉर्थ मिडिल साउथ, फिर साउथ के बाद क्या है, डंकन पैसेज। यस सर, बिटवीन साउथ एंड लिटिल अंडमान डंकन पैसेज, डंकन पैसेज, फिर लिटिल और कार निकोबार के बीच में। यस सर, 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के बीच में भी है 10 डिग्री चैनल। लिटिल अंडमान कार अब बोलेगा लिटिल अंडमान और लिटिल निकोबार के बीच में 10 डिग्री चैनल है। यस सर, सही है। यस सर, कार निकोबार। यू नीड टू सेंस द लैंग्वेज, क्या लैंग्वेज यूज कर रहा है वो। अगर वो बोला कि लिटिल अंडमान और लिटिल निकोबार दोनों के बीच में से पास होता है तो इन सम सेंस ये सही भी हो सकता है, क्योंकि निकल तो रहा ही है, राइट। तो आपको लैंग्वेज पे जाना होगा कि क्या वो कैसे बोल रहा है वो। यूपीएससी में लैंग्वेज पे, अगर यूपीएससी सिविल सर्विसेज का एग्जाम है तो इसमें लैंग्वेज पे जाना होगा, क्योंकि निकल तो रहा ही है ना। बट अगर वो किसी तरीके से, अगर लैंग्वेज ये है कि कार निकोबार को वो अवॉइड कर रहा है या उसको भूल जा रहा है या उसको गलत बोल रहा है, तो फिर नहीं, लिटिल निकोबार लिटिल अंडमान है, फिर कार निकोबार है, फिर लिटिल निकोबार है, फिर ग्रेट निकोबार है, और ग्रेट निकोबार में इंदिरा पॉइंट है। ये बैरन इंदिरा पॉइंट अब डूब गया है ना। ये सब डूब गया है, अब डूब गया है। यस, ये है बैरन आइलैंड, ये एक एक्टिव वोल्केनो है, और यह नरकुंडम आइलैंड, ये डोरमेंट आइलैंड है, आई मीन डोरमेंट वोल्केनो है। राइट में दो है छोटे छोटे, हो गया अंडमान निकोबार। यस सर, ठीक है। लैंग्वेज है बंगाली है, इंपॉर्टेंट माउंटेन्स भी है, एक सैडल पीक है, सैडल पीक, सैडल, सैडल पता है क्या होता है? घोड़े के ऊपर जो रखते हैं बैठने से पहले, जो पूरा स्ट्रक्चर होता है छोटा सा, ठीक है, यस, उसको कहते हैं सैडल। सैडल पीक रख लिया नॉर्थ अंडमान में। यस सर, हो गया, एक नेशनल पार्क भी यहाँ हो गया सैडल पीक। सैडल पीक नेशनल पार्क हो गया। अब ये सारे रटने की जरूरत नहीं है, दियाल्वो, कोयाब, थुलियर, ये रटने की जरूरत नहीं है। आप ये रच सकते हैं कि हैवलॉक का नाम स्वराज कर दिया है, नील का नाम शहीद कर दिया है, रॉस आइलैंड का नाम सुभाष चंद्र बोस कर दिया है। ये बीचेस जो हैं ये इंपॉर्टेंट हैं, मतलब ये राधानगर बीच एक तो थोड़ा सा न्यूज में था पिछले साल, बाकी इतना पूरा अपनी अपनी श्रद्धा है, जिसको रटना है रटे, जिसको नहीं रटना ना रटे, मतलब लास्ट में आना इस पे, सब हो जाए अच्छे से तो फिर चलो ये भी रट लेता हूँ, ठीक है। यस सर, बट ये इम्पोर्टेंट है, सैडल पीक इम्पोर्टेंट था। ये चेंज करके क्या नाम किया है, अभी तो टाइम हो गया चेंज करके, तो सवाल पूछने का चांस कम लगता है, बट रट लो, हैवलॉक आइलैंड स्वराज हो गया, इधर याद कर लो हैवलॉक नील रॉस, इधर स्वराज शहीद सुभाष। यस सर, अभी हमारे पहाड़ बाकी आंध्र प्रदेश के है ना। यस सर, वेलिकोंडा, पलकोंडा, शेषाचलम, नल्लामाला, अरोया कोंडा, ऑल कोंडाज आर इन आंध्र प्रदेश, राइट। उसका हमें देखा है कोंडा रेड्डी, सब इधर ही है, कोंडा 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 सब आंध्र प्रदेश में है ना। कहाँ मिलता है, यहीं तो मिलता है ना, लालचंदन सर, क्या लालचंदन कहाँ मिलता है, रेड सैंडलवुड, शेषाचलम हिल्स, आंध्र प्रदेश ना। यस सर, शेषाचलम, कोंडा कोंडा ऑल कोंडा आर इन आंध्र प्रदेश, वेलिकोंडा, पलकोंडा, शेषाचलम, नल्लामाला, अरोया कोंडा, अरोया कोंडा इज द हाईएस्ट, अरोया कोंडा, अगेन वेलिकोंडा, पलकोंडा, शेषाचलम, नल्लामाला एंड अरोया कोंडा। नल्लामाला जो ये आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच का बॉर्डर बनाता है। एक बार जब सारे रट लो तो मैप में खोल खोल के जरा इनको देखो फ्री टाइम में। आज हम लोग नेशनल पार्क मैप से ही करेंगे, गूगल मैप से, ठीक है। यस, मैप से देखोगे तो दिखेगा कि नल्लामाला हिल्स जो है तो बॉर्डर बना रहा है। अगेन वेलिकोंडा, पलकोंडा, शेषाचलम, नल्लामाला, अरोया कोंडा है ना। yes, ये आंसर है, ANS आंसर, नीचे से ऊपर जाएंगे तो आंसर है, क्या आंसर है, अरोया कोंडा, नल्लामाला, शेषाचलम, अरे वीपी वीपी, वेलिकोंडा, पलकोंडा, अरे आंसर अरोयाकोंडा, नल्लामाला, शेषाचलम, ठीक है। यस सर, वेलिकोंडा, पलकोंडा, शेषाचलम, नल्लामाला, अरोयाकोंडा, उड़ीसा पे आ जाते हैं। एक दो गिरी यहां भी हैं, कुछ गिरी कर्नाटका में भी है, तो गिरी गिरी देख के मार मत आना कि गिरी कहाँ है कर्नाटक में। नो, महेंद्र गिरी, मलय गिरी,
गर्जट, देवड़ी मुंडा, मुंडा कोंडा, कंफ्यूजन नहीं, ये मुंडा है, वो कोंडा था। मलयगिरी महेंद्र गिरी कहाँ है? डबल एम एम वन एम टू ओडिशा में। यस सर। देवड़ी मुंडा हाईएस्ट पीक ऑफ ओडिशा, गर्जट ओडिशा, ठीक है, जीवन भी गर्जट, मलयगिरी, महेंद्र गिरी, देवड़ी मुंडा, ये दोनों गिरी कहाँ है? ओडिशा में। कोंडा कोंडा कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। शीशाचलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। नल्ला माला कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। जिंजी कहाँ है? जिंजी कहाँ है? तमिलनाडु सर। गुड। तो ये है गर्जट, मलयगिरी, महेंद्र गिरी और देवड़ी मुंडा। अब बचते हैं बस ये दो, छत्तीसगढ़, रामगढ़ और बैलाडीला। बैल, बैलाडीला, बैल, बैल याद कर लो ना, बुल, बैलाडीला, रामगढ़ हिल्स और बैलाडीला। यहाँ पे मिलता है कोयला, बैलाडीला में मिलता है आयरन। ये मतलब जब आप माइनिंग वगैरह करते हो तो थोड़ा यहाँ से भी देख लो, माइनिंग में तो पढ़ना ही है ना, माइनिंग वगैरह जब करोगे अगर किए तो रामगढ़ में क्या मिलता है? कोल। बैलाडीला में मिलता है आयरन। झारखंड में हमने देखा है राजमहल हिल्स, राजमहल, गारो गैप, अरे पारसनाथ। यस सर, पारसनाथ जैनिज्म के लिए। यस, न्यूज़ में था ये। यस सर। बहुत ज्यादा। यस सर। गुड। रामगढ़ कहाँ है सर? छत्तीसगढ़ सर। बैलाडीला? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ राज, दो ही देखो, दो दो ही है, रामगढ़, रामगढ़ बैलाडीला छत्तीसगढ़, पारसनाथ राजमहल झारखंड, और ये गर्जट, मलयगिरी, महेंद्रगिरी, देवड़ी मुंडा। वेलीकोंडा, पलकोंडा, शेषाचलम, नल्लामाला, अरोया कोंडा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश। क्लियर है? यस सर। दो तीन बार वापस देख लेंगे तो हो जाएगा। तो महेंद्रगिरी कहाँ है? महेंद्रगिरी कहाँ है? ओडिशा। मलयगिरी कहाँ है फिर सर? मलयगिरी और मूलियांगिरी सर। मलयगिरी, मलयगिरी, मलयगिरी ओडिशा। महेंद्रगिरी ओडिशा। मूलियांगिरी ओडिशा। मूलियांगिरी, मूलियांगिरी कर्नाटका सर। मूलियांगिरी कर्नाटका सर। कर्नाटका, कर्नाटका। कुद्रेमुख कर्नाटका। अरोया कोंडा, अरोया कोंडा आंध्र प्रदेश। पापीकोंडा, पापीकोंडा आंध्र प्रदेश। शेषाचलम, शेषाचलम आंध्र प्रदेश। वेलीकोंडा आंध्र प्रदेश। जावड़ी सर? जावड़ी, जावड़ी शिवराय तमिलनाडु। जावड़ी जिंजी शिवराय तमिलनाडु। चलो बाकियों को क्या समझ में आ रहा है ना, हुआ है ना रट के, और दो चार बार देखेंगे सब हो जाएगा। चलो पारसनाथ राजमहल कहाँ है? राजमहल पारसनाथ झारखंड। रामगढ़ बैलाडीला छत्तीसगढ़ है ना। गर्जट हिल्स कहाँ है? गर्जट हिल्स ओडिशा। ओडिशा में? यस सर। गर्जट, मलयगिरी, महेंद्र। यस सर, ओडिशा। देवड़ी मुंडा। गुड। चलो पहाड़ तो हो गए, फटाफट कूद पड़ते हैं नेशनल पार्क्स पे। नेशनल पार्क्स कैसे पढ़ेंगे ये, इसको वापस से पहाड़ बीच बीच में देखते रहेंगे, ऐसा वापस से पूछ लूंगा, एक आधा बार दिखा भी दूंगा है ना अगली बार से। अब हम शुरू करेंगे नेशनल पार्क। Sir, one small doubt, sir. Yes. Sir, in the Vision IAS source, they have given that the Gauligarh Mountains come besides the Ajanta, sir. They have given like that. Comes beside Ajanta, मतलब yes, near sir. Ajanta. हाँ, yes, sir. ये ठीक है, ये ज़्यादा ऊपर बना दिया. एक second, let me check. When I was doing the test today, they had. Wait a second. Yes. तो उन्होंने question पूछा था. Sir, they had asked the question like, where is the, let me tell you the question, sir. 4141. Yes, sir, it is question number 26. Sir, this is the question, sir. Arrange the following hills in India from north to south. Okay. Satmala Hills, Kaimur Hills and Pir Panjal Range. They have okay. asked this question, sir. Okay. And okay. In the solutions, they have given in the map that the Gauligarh Hills come besides the Ajanta Hills. They have given like above that. Or beneath? Sir, this Ajanta is there, right, sir? Just besides that, sir, actually.
just beneath that is Ajanta. Wait, sir, this horn is there, right, sir? The right side mein horn is there, right, sir? वहाँ पे गाउडी गाड़ है. Wait a minute. Yes, sir. Above that horn they have given. See, I have checked in map as well. Yes, sir. गावलीगढ़ वहीं है जहाँ मैं बता रहा हूँ. Okay, sir. I'll yes, correct sir. Here. Okay, sir. I'll correct. I've just checked in the map. गावलीगढ़ yes, is okay. We'll see. Yeah, I'll correct it here, sir. Yes, sir. Okay, sir. I'll share my screen and we are going to maps क्योंकि अब हम मैप्स ही शुरू कर रहे हैं तो I'll share my screen of maps. Okay, wait a second. Share. Okay, ठीक गावलीगढ़ ये महाराष्ट्र पहले मैं दिखा देता हूँ. देखो ये जो डॉटेड लाइन है ये महाराष्ट्र का बॉर्डर है. दिख रहा है ये देखो ये दिख रहा है. डॉटेड लाइन दिख रही है. Yes, sir. डॉटेड लाइन दिख रही है. ये डॉटेड लाइन दिख रही है. डॉटेड ये देखो यहाँ पर है ना. Yes, sir. ये नॉच के बाद है गावलीगढ़. सी इट कुड बी एक्सटेंडेड टिल हियर. ये हो सकता है एक्सटेंड हुई हो. Okay, कौन कितना एक्सटेंशन लेता है. जैसे सतपुड़ा को हमने पढ़ा था. कोई कोई राजपिपला भी उसके साथ बना देगा कि ये पूरा एक्सटेंशन पूरा सतपुड़ा ही है. बट गावलीगढ़ मैप में जब मैंने देख के ही बनाया होगा तो ये यहीं पर है. Yes, sir. Okay, इसी के साथ हम चलेंगे नेशनल पार्क पे और नेशनल पार्क में हम शुरू वहां से करेंगे जहां पे ज्यादा लोग ध्यान नहीं देते. हम शुरू करेंगे अंडमान निकोबार से और हम नॉन नेशनल पार्क एक बार में उड़ा देंगे. तो हम कैसे करेंगे. हम पहले PMFIS की वेबसाइट पे ना एक लिस्ट दी है. अब उन्होंने मेहनत करके टेबल बना दिया है तो वहां से वापस से बनाने के लिए क्यों मेहनत करना. तो हम टेबल पे पहले स्टेट वाइज रटेंगे उसके बाद मैप में देखेंगे. ठीक है. Am I making sense? पहले हम स्टेट वाइज रटेंगे. ठीक है. तो अब हम चलते हैं उसकी वेबसाइट पे और हम स्टेट वाइज पहले रटेंगे. मतलब एक एक स्टेट एक बार में. ठीक है. Yes, sir. तो ये रहा. Is it visible? Not it. अंडमान निकोबार दिख रहा है. अंडमान निकोबार टेबल दिख रहा है. Screen is has not been shared, sir. No, sir. Screen is not visible, sir. Is it visible now? Now it is. Now it is. अंडमान निकोबार. Now it is. अंडमान निकोबार. Yes, sir. कितने यहाँ पे 9. Total कितने नेशनल पार्क है. 109. है ना. 109 सारे करेंगे और एक बार में 9 खत्म. यानी थोड़ा सा समझ लो 8-9% खत्म. अब भी 5 मिनट में. चलो कैंबेल बे. दो बे हैं यहाँ पे. कौन कौन. कैंबेल बे और गलेटिया बे. अभी इसको ये ऑर्डर में नहीं है. नॉर्थ टू साउथ ऑर्डर में नहीं है. ये यहाँ से केवल नाम रटो. ऑर्डर में दिखाता हूँ. ठीक है. ऑर्डर नहीं रटना यहाँ से. इसने ऑर्डर में नहीं दिया है. कैंबेल बे गलेटिया बे. कैंबेल बेल घंटी. घंटी कहाँ बांधेंगे. घंटी गले में है ना. बिल्ली की गली में घंटी बांधते हैं. राइट. हु विल बेल द कैट. वी विल बेल द कैट. कैंबेल बे और गलेटिया बे. तो दो बे बोला तो वो भी किधर. अंडमान में और कैंबेल और गलेटिया है ना. गला और बेल हो गया. दो कैंबेल बे नेशनल पार्क गलेटिया बे नेशनल पार्क. दो बे गले में घंटी है ना. गला बेल कैंबेल बे एंड गलेटिया बे हो गया. दो हो गया. रट लिया दिमाग में बैठ गया. कैंबेल बे गलेटिया बे गला बेल बे बे हो गया ना. इतना काफी है. महात्मा गांधी गलेटिया गला गला याद रखो. गला गलेटिया गला गला और गले में क्या घंटी बेल बेल है ना. गले में घंटी ना. कैंबेल बे और गलेटिया बे हो गया. दो चलो. महात्मा गांधी कहाँ है. अंडमान निकोबार में कहाँ है. अंडमान निकोबार में कहाँ है महात्मा गांधी. हो गया. तीसरा महात्मा गांधी नेशनल पार्क. यस सर. इसको बंडूर भी बोलते हैं. ये बाद में रटेंगे. पहले महात्मा गांधी रट लेते हैं. अब देखो तीन. देखो मिडल बटन. अब मिडल बटन है तो नॉर्थ साउथ बटन भी होंगे. ये रहा नॉर्थ बटन. ये रहा साउथ बटन है. यस सर. महात्मा गांधी है तो एक और फ्रीडम फाइटर होंगी रानी झांसी है ना. और सैडल पीक तो हमने अभी पढ़ा. सैडल पीक. यस सर. हो गया. हो गया. नौ हो गया. नौ हो गया. वापस कैंबेल बे गलेटिया गले में घंटी है ना. गले में घंटी कैंबेल बे गलेटिया. महात्मा गांधी है. यस सर. है महात्मा गांधी. यस सर.
महात्मा गांधी एंड रानी झांसी। रानी झांसी दो 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 यहाँ पे कौन है, दो जन हाँ फ्रीडम फाइटर हैं। कौन कौन? महात्मा गांधी है और रानी झांसी है। अब बटन बटन, नॉर्थ बटन है, साउथ बटन है और मिडिल बटन भी है। सैडल पीक हमने पहाड़ में पढ़ा, और ये ना माउंट हैरियट एक है, हैरियट 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 हैट हैरियट हैट ऐसा याद कर लो, माउंट हैट हैरियट हैट। वापस एक कैंपबेल बे गलेटिया, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, ये तीन हो गए। उसके बाद रानी झांसी, चार हो गए। फिर तीन एक साथ हो जाएंगे, नॉर्थ मिडिल साउथ बटन, ठीक है। तो है ना, ये हो गए, फिर सैडल पीक, फिर माउंट हैरियट हो गया। यस सर। वापस एक बार और आखिरी बार, कैंपबेल बे गलेटिया बे, कैंपबेल बे गलेटिया, महात्मा गांधी, फिर रानी झांसी, रानी फिर साउथ मिडिल और नॉर्थ बटन, नॉर्थ बटन यस सर, माउंट हैरियट एंड सैडल पीक। सैडल पीक हो गया, हो गया। 109 में से 9 हो गए, यस सर, ठीक है। अब हम इसको देखेंगे मैप पे, यही नहीं छोड़ेंगे, यहाँ छोड़ेंगे तो फिर पेपर में नहीं होगा क्वेश्चन। अब हम चलते हैं मैप। अब ये मैंने बनाया है, आई वुड लाइक इट इफ यू गाइज मेक इट फॉर योर सेल्फ। खुद बैठो, लैपटॉप खोलो, फोन खोलो, टैब खोलो, जो है, और बनाओ लिस्ट। अभी मैंने सारों की नहीं बनाई है, मतलब आई हैव इन अनदर अकाउंट, इसमें मैंने आज आप लोग के लिए बनाया है। सेव्ड में जाएंगे, यहाँ पे एक मैंने नया फोल्डर बनाया है नेशनल पार्क का, जिसमें 79 मैंने ऐड कर दिए हैं, बाकी बाकी हैं, ये मैं नहीं दूंगा। यू हैव टू मेक इट ऑन योर ओन, है ना। एक एक बैठो, एक एक स्टेट उठाओ और खत्म करो। ये हो गया, मैंने बना दिए हैं थोड़े बहुत। अब हम चलते हैं यहाँ पे, अब हम देखेंगे नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट। सर इट इज नॉट शोइंग, नॉट शोइंग, विजिबल सर, विजिबल सी द was on the PMFIS. अच्छा, wait a second. आ जाओ, ठीक है, दिख रहा है, दिख रहा है सर, नो इट इज क्लियर, दिख रहा है, दिख रहा है। चलो अब मैंने नाम रटा दिया, नाम याद हो गया। नाम याद होने के बाद ही हम याद कर सकते हैं कि नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट क्या है, ठीक है। तो सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर घोड़ा है, सैडल पीक। सबसे ऊपर कौन है नॉर्थ में? घोड़ा। कहाँ है ये? नॉर्थ अंडमान, सैडल पीक, घोड़ा, याद रखने का। सबसे ऊपर कौन है अंडमान में? घोड़ा, सैडल पीक हो गया। अरे देखो, ये तीन तो एक साथ याद हो जाएंगे यार, इसमें कुछ करने, नॉर्थ मिडिल और साउथ, नॉर्थ ये साउथ ये मिडिल, ठीक है। नॉर्थ मिडिल साउथ बटन हो गया, बटन बटन बटन, तीन बटन। ऊपर कौन था सबसे नॉर्थ में? कौन था? सैडल पीक, सैडल पीक, सैडल पीक के बाद कौन है? नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, बटन बटन, तीन बटन हो गए। उसके बाद कौन आएगा यहाँ पे? रानी झांसी, रानी झांसी, ठीक है। ऊपर घोड़ा था, ये रानी झांसी का घोड़ा था, ऊपर हो गया। यस सर। उसके बाद कौन आएगा? माउंट हैरियट, कराता हूँ, हो जाएगा। तो हमने क्या देखा, सबसे ऊपर कौन था? सैडल, ठीक है। ये सैडल पीक, यहाँ पे तीन है, कौन से बटन? नॉर्थ मिडिल, नॉर्थ मिडिल साउथ, फिर कौन? रानी झांसी आई, जिनका घोड़ा था ऊपर, है ना, रानी झांसी। उसके बाद माउंट हैरियट हैट, ये महात्मा गांधी नेशनल पार्क, ठीक है। तो रानी झांसी, उसके नीचे महात्मा गांधी, और ये राइट में माउंट हैरियट। रानी झांसी, उनके नीचे महात्मा गांधी, और ये राइट में माउंट हैरियट। एक चीज का ध्यान रखो, यहाँ कौन है? पोर्ट ब्लेयर है, कैपिटल सिटी है, तो थोड़ा ध्यान रखना है। कैपिटल सिटी महात्मा गांधी, नॉर्थ में रानी झांसी, माउंट हैरियट, पोर्ट ब्लेयर, कैपिटल सिटी, महात्मा गांधी, रानी झांसी, माउंट हैरियट, हो गया। यस सर। सेवन ही माउंट हैरियट, कैंपबेल एंड गैलेटिया सर, दे आर नीचे है, नीचे है। ओके, सबसे नीचे कौन है? गले में घंटी, सबसे नीचे है वो, सबसे लास्ट में, कैंपबेल बे एंड गलेटिया बे। हाँ, कैंपबेल बे एंड गलेटिया बे, हो गया। यस सर। कौन सा आइलैंड है ये? निकोबार। कौन सा? ग्रेट निकोबार में कौन सा? ये देखो, ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार, ये भी याद हो गया, ये भी याद, क्योंकि कॉलेज, कॉलेज सीएलजी, सबसे लास्ट में कौन सा आइलैंड था? ग्रेट निकोबार ना, और ये भी सबसे नीचे है। तो कैंपबेल बे और गलेटिया कौन से आइलैंड पे है, ये भी हो गया हमारा, है ना।
किस पे होगा? सीएलजी कॉलेज, कॉलेज में सबसे जी सबसे नीचे है और ये भी सबसे नीचे है, किसमें? ग्रेट निकोबार में, कैंपबेल बे और गलेटिया बे, है ना? यस सर। अब मैं पूछूंगा कि ग्रेट निकोबार पे दो नशबा कौन से हैं, तो हो जाएगा ना? यस सर। हाँ, घंटी ऊपर है, गला नीचे है, कैंपबेल बे गलेटिया। यस सर। ओके, इरा इंदिरा पॉइंट। चलो बताओ सबसे ऊपर नॉर्थ में कौन है? ओके, कौन सा आइलैंड है वो? अंडमान में कौन सा होगा? सबसे ऊपर है तो कौन सा होगा? नॉर्थ अंडमान। तो नॉर्थ अंडमान हो गया वो, सारे सारों का आइलैंड नहीं रटेंगे बट जिनका क्लियर है, दिख रहा है उनका कर लेंगे। चलो सबसे नॉर्थ में कौन सा है? सैडल पीक नॉर्थ अंडमान। नॉर्थ अंडमान, उसके नीचे कौन सा है? उसके नीचे बटन सर, नॉर्थ मिडिल एंड साउथ बटन, राइट? यस सर। उसके बाद कौन सा है? रानी झांसी सर। रानी झांसी रानी झांसी के राइट में कौन है? माउंट हैरियट। उसके नीचे कौन है? महात्मा गांधी, राइट? यस सर। चलो उसके नीचे कितने हैं? कैंपबेल एंड गलेटिया। वापस करते हैं एक बार। सैडल पीक सबसे ऊपर, सैडल घोड़ा 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 सैडल पीक, घोड़ा आ गया। उसके बाद बटन, बटन तीन बटन, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, बटन बटन, है ना? सैडल पीक, घोड़ा, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन। अब घोड़ा है किसका? रानी झांसी का। रानी झांसी नेशनल पार्क है ना? अब रानी झांसी है तो गांधी जी भी है, ये रहे गांधी जी। अब इनके ये दोनों अकेले नहीं है, यहाँ राइट में कौन है? माउंट हैरियट, ठीक है? माउंट हैरियट। और नीचे कौन है? कैंपबेल बे और गलेटिया। कैंपबेल बे और गलेटिया हो गया। यस सर। मैप के साथ हो गया। हां सर। है ना, कौन सा आइलैंड पे है वो भी स्पेसिफिकली, दो का तो हमने देख लिया। यस सर। है ना? यस सर। ये तो बटन आइलैंड है, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, जो बटन आइलैंड पे। यस सर। पार्ट नहीं है रानी झांसी एंड साउथ, सॉरी माउंट हैरियट आ रहे हैं साउथ अंडमान, राइट? ये भी मेरे ख्याल से साउथ अंडमान ही है, क्योंकि लिटिल अंडमान नीचे है। तो साउथ अंडमान में ये तीनों है, ये तीनों साउथ अंडमान में, रानी झांसी, माउंट हैरियट और महात्मा गांधी किसमें? साउथ अंडमान में। नॉर्थ अंडमान में कौन है? सैडल। सैडल, ओके। और बटन्स, देन इट विल बी मिडिल अंडमान। दे आर अ डिफरेंट ऑल टुगेदर आइलैंड, वो अलग आइलैंड है, ये तीनों देखो अलग निकले हुए पूरे। ओके ओके, बट फॉर रेफरेंस आपको ध्यान में रखना है नॉर्थ और साउथ के बीच में, बट दे आर ऑल टुगेदर अ डिफरेंट आइलैंड नॉर्थ। ओके ओके, हो गया याद? नौ हो गए अच्छे से याद। यस सर, हो गया। तो गलेटिया बताओ कहाँ है, साउथ में कि नॉर्थ में? गलेटिया ग्रेट साउथ सर, ग्रेट निकोबार। ग्रेट निकोबार। अब अगर मैं पूछूं कोई इंडिया का सदर्न मोस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? गलेटिया है ना? गलेटिया सदर्न मोस्ट नेशनल पार्क, गलेटिया। उसके ऊपर ये कैंपबेल बे, उसके ऊपर ये वाले आइलैंड पे कौन है? तीन, ये रानी झांसी है, ये महात्मा गांधी और ये माउंट हैरियट है। ये तीन बटन बटन, नॉर्थ बटन, मिडिल बटन, साउथ बटन, और ये तो सैडल पीक, घोड़ा घोड़ा। हो गया पूरा नौ, हो गया पूरे नौ हो गए नेशनल पार्क, 109 में से 9 हो गए। आओ दसवां करते हैं। ये रस्ते में गोवा करते हुए चलते हैं। गोवा कहाँ है? गोवा, गोवा, ये रहा गोवा। गोवा में मोल्लेम नेशनल पार्क, इस पे भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नाम है मोल्लेम, एम से बहुत सारे आएंगे तो ध्यान रखना, मोल्लेम। मोल्लेम कहाँ है? गोवा में। गोवा में सर, हाँ यस, गोवा में। गोवा में मोल्लेम कहाँ है? गोवा में। मोल्लेम नेशनल पार्क, मोल्लेम नेशनल पार्क। इसको थोड़ा जूम करके देखते कुछ है इसके आसपास, कोई नदी वदी बह रही है? ये देखो क्या मिला, ये क्या है? दूध सागर फॉल्स मिल गया। तो जूम करेंगे तो दिख जाएगा कुछ आसपास होगा। तो दूध सागर फॉल्स के आसपास कौन सा नेशनल पार्क है? मोल्लेम नेशनल पार्क, दूध सागर फॉल्स, महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यस, अब यहाँ से कुछ बह भी रहा है, आओ जूम कर लें, क्या बह रहा है, ये किस पे बना है ये दूध सागर फॉल्स? दूध सागर रिवर पे, ठीक है, हो गया। तो मोल्लेम नेशनल पार्क और कहां पर है?
दूध सागर वाटरफॉल्स, ये रहा सुंदर सा दूध सागर वाटरफॉल्स का फोटो, ठीक है। मैंडोवी रिवर सर, दूध सागर वाटरफॉल्स मैंडोवी रिवर। आई थिंक दिस इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ मांडवी जो दूध सागर पे है, तो ये दूध सागर रिवर बता रहा है। देखो ये रिवर का नाम है दूध सागर, पीछे हमने देखा था, दिस इज दूध सागर फॉल्स, या तो फॉल्स ही है। यहाँ दो ही तो नदियां हैं, कौन सी दो हैं? मांडवी एंड जुआरी, मांडवी एंड जुआरी। तो याद हो गया दूध सागर के पास कौन है? मोल्लेम नेशनल पार्क। मोल्लेम तो 10 हो गए हमारे, मोल्लेम हो गया, मोल्लेम और भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है यहाँ पे। Yes. वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी एक कर ली है ना। भगवान महावीर कहाँ है? टू प्लेसेस सर, वन इज गोवा, अनदर इज हैदराबाद। यस, यहाँ पे भगवान महावीर है और वहां पे, अब चलो हैदराबाद का नाम ले लिया तो हैदराबाद भी करते हुए चलते हैं। यस, ऊपर जाना था बट बोल दिया तो करते हुए चलते हैं। स्थली भगवान महावीर। हाँ ये रहा, ये लोड नहीं हुआ है, एक मिनट अभी लोड हो जाएगा। चलो तीन है यहाँ पे, महावीर हरिणा वनस्थली नेशनल पार्क, पूरा नाम याद रखना, वनस्थली भी बोल देगा। ये कौन है? मृगवाणी, मृगवाणी और ये KBR कासु ब्रह्मानंद रेड्डी नेशनल पार्क, ठीक है। अब इनका ऑर्डर भी याद कर लो, अगर हमारे रिस्पेक्ट में बात करें, हमारे रिस्पेक्ट में राइट और ईस्ट बोलेंगे तो ईस्ट में कौन है? महावीर, महावीर हरिणा वनस्थली, महावीर हरिणा वनस्थली। वेस्ट में कौन है? मृगवाणी, मृगवाणी। ऑल दीज टू मीन डियर, मृगवाणी में मृग मीन्स डियर, महावीर हरिणा में दिस हरिणा मीन्स डियर, है ना, डियर पार्क, डियर डियर। मृग ऑल्सो मीन्स डियर, हरिणा ऑल्सो मीन्स डियर, तो मृगवाणी हरिणा, सॉरी महावीर हरिणा वनस्थली, और ये KBR ऊपर है, कासु ब्रह्मानंद रेड्डी। कौन सा शहर है ये? हैदराबाद। तीनों में ईस्ट में कौन सा है? ईस्ट में कौन सा है? महावीर। वेस्ट में कौन सा है? वेस्ट में मृगवाणी। ऊपर कौन है? कासु ब्रह्मानंद रेड्डी, ठीक है। तो हमने 9 वहां कर लिए, 1 10 कर लिया, 10 3 13 हो गए वापस। ये महावीर हरिणा, ये कौन है? नाम रट्टा मारो, नाम मृगवाणी, मृगवाणी बार बार बोलो, पता होना चाहिए मृगवाणी, मृगवाणी, वरना ऐसे याद आएगा हाँ यहाँ कोई तो है, बट नाम अच्छे से नहीं रट्टा मारो तो याद नहीं आएगा कौन सा है। मृगवाणी। अब यहाँ तक पहुंचे तो देखो पानी दिख रहा है, थोड़ा जूम कर लेते हैं, क्या ये है ना, क्या है ये? उस्मान सागर। ये उस्मान सागर है, ये क्या है? ये मृगवाणी नेशनल पार्क, कोई इम्पोर्टेंट रोड लग रहा है, NH 163, पर उतना अब पढ़ने की जरूरत नहीं है। और ये है हिमायत सागर लेक, दो लेक के बीच में है ये, कौन सा? मृगवाणी। एक बार में रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, अभी खाली देख लो, बार बार देखोगे हो जाएगा। तो लेफ्ट वाला जो है यानी वेस्ट वाला जो है वो मुझे याद आएगा कि यार दो लेक के बीच में था, उस्मान सागर और हिम्मत सागर लेक, है ना। एक ही दिन में किसने बोला याद करने, आज तो देख रहे हैं, है ना। तो ये कौन है? मृगवाणी। राइट में कौन था? महावीर हरिणा, महावीर हरिणा को भी देख लेते, इसके आसपास कुछ है क्या? तो मोल्लेम कहाँ था? मोल्लेम, मोल्लेम गोवा सर, गोवा। गोवा क्या था वहाँ पे सर? दूध सागर, दूध सागर फॉल्स। चलो ये है वाटर, लेकिन एक छोटा सा वाटर बॉडी लग रहा है, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और दूर भी है तो इसको हम नहीं करेंगे। ये दोनों देख लेंगे, उस्मान सागर और ना हिमायत सागर, उस्मान सागर और हिमायत सागर, दो है यहाँ पे। किसके? मृगवाणी के की महावीर हरिणा के? ऊपर नीचे मृगवाणी के, मृगवाणी के, है मृगवाणी के ऊपर, हाँ और नीचे। बस बस रीड करो इसको, नेशनल पार्क रट्टा मारो इसको, केवल रीड करो, दो चार बार में हो जाएगा। और ऊपर कौन था? KBR, है ना, KBR में भी कुछ आसपास इतना दिख नहीं रहा है ना, कुछ नहीं। ये है बड़ा सा, क्या है? जल विहार वाटर पार्क, नहीं क्या ये बगल में ही? हुसैन सागर दूर है, यस थोड़ा सा बड़ा था। चलो हुसैन सागर यहाँ पर है, तीन सागर हैं ये, हुसैन सागर ऊपर है,
यहाँ पे उस्मान था, यहाँ पे हिमायत था, हिमायत था। ये तीसरे चौथे पांचवें राउंड में करना जरूरी है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है नेशनल पार्क करना, उसके बाद आपको देखना होता है कि नेक्स्ट लेयर इज उसके आसपास कोई वाटर बॉडी, कोई इंपॉर्टेंट हिल, दैट इज नेक्स्ट लेयर। फिर थर्ड लेयर में आप इसको पूरा अच्छे से रट लो, ठीक है। तो अभी हम केवल नेशनल पार्क देख रहे हैं, साथ में जो दिखते चल रहा है उसको देखते चल रहे हैं, है ना। तेरह हो गए हमारे, तेरह हो गए, चलो फिर काउंट को चौदह करते हैं। लद्दाख में एक ही है, लद्दाख में एक ही है, ये रहा 14th। कौन सा हुआ सर? 9 इन अंडमान एंड निकोबार, 2 इन, नो नो नो, 1 इन गोवा, 1 इन गोवा, 3 इन, 3 इन तेलंगाना, 3 इन तेलंगाना हो गया। ये देखो हेमिस नेशनल पार्क, एक ही है यहाँ पे, कौन सा है? ओनली वन, देख लो लोकेशन, देखो देखो लेह के नीचे है, लोकेशन देखो, ये देखो, ये रहा लद्दाख, ये रही वो बाउंड्री, देखो कहाँ है, यहाँ है क्या, यहाँ है क्या, पता होना चाहिए हेमिस भी कहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, नहीं कहाँ है, नीचे की तरफ, क्या है इसके बगल में, वाटर बॉडी, कौन सी वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी नहीं, ये ग्लेशियर है, इंडस है सर, हेमिस से इंडस गुजरती है, ये देखो नुब्रा, ये रही नुब्रा, तो इंडस भी यहीं कहीं होनी चाहिए, कहाँ है, ये रही इंडस, ये है इंडस, राइट, दिस इज इंडस। अब हेमिस कहाँ है, हेमिस कहाँ है यार, हेमिस तो यहाँ है, वो नीचे यहाँ है, दूर है, थोड़ी सी दूर है ना, बट यस इंडस के नीचे है, इतना याद करना है, इंडस के नीचे, नीचे। और इसी के साथ हमने ये भी पता लग गया कि लेह जो है वो इंडस पे पास ही बसा है ना, ये तो इंडस है, लेह जो है वो इंडस के पास ही बसा है, ठीक है। मैप में, मैप में ये देखो, ये रहा केवल जम्मू कश्मीर का मैप दिखाऊं तो ये यहां से दिख रहा होगा, ये केवल जम्मू कश्मीर है और ये लद्दाख है, लद्दाख में यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, यहां है हेमिस, है ना, पिन पॉइंट याद होना चाहिए लगभग कहां है, राइट, यस सर, चलो ठीक है। वैसे आप हाँ याद कर सकते हो, ये हेमिस यहाँ भी दिखा रहा है, ये बहुत बड़ा है, तो यस यू कैन से कि इंडस पास होती है उससे, लेकिन ये इंडस के साउथ में है, राइट, इंडस के साउथ में है। तो हमारे कितने हो गए, 14। अब चलो जम्मू कश्मीर कर लेते हैं, इतना दूर आए तो जम्मू कश्मीर करने से पहले हम उसके नाम रट्टा मारेंगे, है ना, और नाम सलीम अली एंड किश्तवार। चलो हम चलते हैं जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर नीचे है, कितने हैं यहाँ, 4। सलीम अली, सलीम अली है यहाँ पे, दाचीगम है, काजी नाग है, एक नाग यहाँ है, एक और नाग हमने पढ़ा है, नाग टिब्बा कहाँ है, नाग टिब्बा, नाग टिब्बा पहाड़ कहाँ है, वेयर इज नाग टिब्बा, समवन जस्ट आई थिंक सर्च्ड इट, पढ़ाया है नाग टिब्बा इज इन उत्तराखंड, नाग टिब्बा इज इन उत्तराखंड, पीर पंजाल कहाँ है, धौलीधर, धौली, लेसर हिमालय, यस नाग टिब्बा इसी में पढ़ाया है, ठीक है, नाग टिब्बा कहाँ है, उत्तराखंड, उत्तराखंड, चलो मतलब लेसर हिमालयस एक बार वापस कराना पड़ेगा, देख लेंगे, ठीक है। चलो यहाँ पे कौन कौन है, एक नाग यहाँ पर भी है, काजी नाग, एक है किश्तवर, दाचीगाम, सलीम अली, चार ही है, रट्टा मारो, सलीम अली का नाम सिटी फॉरेस्ट भी है, सलीम अली, दाचीगाम, काजी नाग, किश्तवर, दो के है, के काजी नाग, किश्तवर, काजी नाग और किश्तवर, किश्तवर, काजी नाग, काजी नाग, किश्तवर, किश्तवर, काजी नाग, दाचीगाम और सलीम अली, सिटी फॉरेस्ट, चार ही है, बोलो चारों, बोलो चारों, बोलो, सलीम अली, सलीम अली, दाचीगाम, दाचीगाम, किश्तवर, किश्तवर, बोलो, सलीम अली, दाचीगाम, सलीम अली, दाचीगाम, काजीनाग और किश्तवर, काजीनाग, किश्तवर, किश्तवर है ना, सलीम अली, दाचीगाम, काजीनाग, किश्तवर, मुल्लेम कहाँ था फिर, गोवा,
गोवा मांडवी मांडवी क्या था वहां, दूध सागर फॉल्स था, दूध सागर फॉल्स, सलीम अली, सलीम अली, दाचीगाम, काजीनाग, किश्तवर, हम इसको मैप में देखेंगे ठीक है। ये सबसे बेस्ट में कौन सा है, ये देखो ये है सबसे पहला काजीनाग, सबसे पहला क्या है नाग, काजीनाग, उसके बाद क्या आएगा, अच्छा हाँ एक सेकेंड, चलो ये रहा काजीनाग, सबसे वेस्ट में कौन सा है काजीनाग, मैं वेस्ट टू ईस्ट बोलूंगा तो लगा लोगे ना फिर, नॉर्थ टू साउथ बोला तो सबसे नॉर्थ में कौन सा आएगा नेशनल पार्क, हेमिस आएगा, नहीं सर तो नीचे सर, ये देखो ये अगर हम एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने की कोशिश करें तो ये यहाँ जाएगा और ये क्या है, हेमिस यहाँ है राइट, लद्दाख में है, लद्दाख ऊपर भी है बट वो लद्दाख के लोअर पार्ट में है, इसके लिए सबसे नॉर्थ में वैसे तो इतना अगर इशू होगा तो वो पूछेगा नहीं, बट ऑर्डर याद रखना है कि काजीनाग है फिलहाल, है ना, काजीनाग दिख रहा है, काजीनाग सबसे वेस्ट में कौन सा है, काजीनाग, काजीनाग के बाद क्या आएगा, यह सलीम अली, एक सेकेंड, सलीम अली के बाद, सलीम अली कौन सा है, सलीम अली का दूसरा नाम क्या है, सिटी फॉरेस्ट, सिटी फॉरेस्ट, ये क्या है फिर, दाचीगाम, दाचीगाम, एक बचा है कौन सा, सलीम अली, दाचीगाम, किश्तवार, किश्तवार बचा है, किश्तवर, किश्तवर शायद मैंने ऐड नहीं किया है, तो अब हम ऐड करना देख लेंगे कैसे ऐड करते हैं, मैं यहाँ सर्च करूंगा किश्तवर नेशनल पार्क, सर्च तो किया है, एडेड भी है, शायद लोड नहीं हुआ होगा, ठीक है, यह है किश्तवर नीचे सबसे राइट में, तो चलो ये कौन सा है, काजीनाग, सलीम अली, दाचीगाम, किश्तवर, काजीनाग, सलीम अली, दाचीगाम, किश्तवर, ये कौन सा है, काजीनाग, काजीनाग, सलीम अली, उसके बाद सलीम अली, है ना, सलीम अली के बाद दाचीगाम, दाचीगाम, दाचीगाम के बाद किश्तवर, हो गया ऑर्डर यार, नॉर्थ साउथ अरेंज करना है तो पहले काजीनाग फिर उसके बाद दाचीगाम आएगा ना सर, दाचीगाम के बाद सलीम अली, इसको भी ईस्ट टू वेस्ट पूछेगा, ओके ओके, इसको ईस्ट टू वेस्ट पूछेगा, जो एकदम बॉर्डर राइफ है, हाँ, सबसे वेस्ट में कौन सा है, काजीनाग, काजीनाग के बाद सलीम अली, सलीम अली के बाद दाचीगाम, दाचीगाम के बाद किश्तवर, दिमाग में आ रहा है, दिमाग में सोचो कि सबसे लेफ्ट में सबसे वेस्ट में काजीनाग है, उसके बाद सलीम अली है, ये ऊपर दाचीगाम है, ये किश्तवर है, ठीक है, यस सर, कोई प्रॉब्लम हो गया, क्लियर हो गया, चलो ठीक है, अब हम जूम करेंगे क्या है इसके आसपास, ये क्या है, काजीनाग, कोई नदी है, कौन सी नदी है, कौन सी नदी है, झेलम, झेलम, काजीनाग के पास से कौन सी बहती है, झेलम, झेलम, झेलम बहती है, ठीक है, झूलर भी ऊपर है सर वहां से, झेलम, हाँ झेलम वहां से ऊपर ऊपर है, ये रहा काजीनाग, ये रही झेलम, अब काजीनाग ये बोला तो बड़ा सा होगा, और बड़ा होगा ना, ये तो उसने कोई ऑफिस, उसका ऑफिस या गेट ऐसा कोई लोकेशन है उसका, जो मैप पे हम मार्क करते हैं तो कई बार गेट होता है, कई बार ऑफिस होता है जो अंदर होता है, तो ये बोला मतलब और होगा थोड़ा सा, yes. काजीनाग नेशनल पार्क कौन सी नदी बहती है, झेलम, झेलम, काजीनाग, झेलम, झेलम है ना, वेस्ट, काजीनाग, झेलम सबसे वेस्ट में है, काजीनाग, नाग, नाग है सबसे वेस्ट में, नाग, सांप, नाग है ना, और उसके yes. किस नदी के पास है, झेलम, काजीनाग के बाद कौन सा आएगा, सलीम अली, सलीम अली, सलीम अली का दूसरा नाम, सिटी फॉरेस्ट, चलो ये क्या देखने मिल रहा है, सलीम अली कहाँ है, सलीम अली कहाँ है, सलीम अली कहाँ है, कौन सा शहर है, कौन सा शहर है, ये कौन सा शहर है, श्रीनगर में, इसीलिए इसका नाम सिटी फॉरेस्ट भी है क्योंकि ये सिटी के अंदर होगा,
ओके यस सर, है सिटी ना, के बीचों बीच है। सिटी के बीचों बीच है सलीम अली नेशनल पार्क, और ये कौन है, श्रीनगर, श्रीनगर में है, और ये क्या है इसके पास में, ये ये है, डल लेक होगा एक सर, ये इम्पोर्टेंट, हाँ ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है, झेलम, झेलम, ओके झेलम, और ये कौन सा लेक है, डल लेक, वो ये डल लेक है, झेलम, झेलम के किनारे हमने दो देख लिए है ना, काजीनाग और दूसरा सलीम अली, काजीनाग एंड सलीम सलीम अली, अली, काजीनाग एंड सलीम अली, दिख रहा है ना सबको, सलीम अली, यस यस सर। पढ़ना भी ऐसे ही है, बस लेके बैठो मैप में और देखते लग जाओ, अब इससे ज्यादा क्या ही पूछेगा, अच्छा झेलम आइडिया लग जा रहा है ना, यस वैसे सर, रट्टा मारेंगे तो नहीं याद होगा, झेलम है छेना भैरवी क्या है, मैप में देखो, मैप में दिखेगा ये काजीनाग कौन सा शहर है, सॉरी सलीम अली कौन सा शहर है, श्रीनगर, कौन श्रीनगर, सी नदी है, झेलम, 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 ये क्या है, दल, झेलम, डल लेक, ये दल लेके है, ऊपर अचार लेके है, थोड़ा ऊपर है जाने दोस्तों, बट याद रखो अचार, अचार, आंचार अचार, लेक, वही प्रोनाउंस करो जो फिलहाल तुमको रट्टा मारने में आसानी हो, या आंचर होगा या कुछ और होगा, है ना, ऑल रिस्पेक्ट टू द प्रोनाउंसिएशन, बट फिलहाल अपने लिए जो रट्टा मारने को जो याद हो जाए, जो दिमाग में बैठ जाए वो याद करो, है ना, यस तो सर, आंचर, मैं तो अचार, अचार लेक, दोनों लेक, दल लेक, अचार लेक, ओके दाल लेक, अचार लेक, दाल लेक, दाल अचार, ठीक है, यस झेलम रिवर दो हो गए, सलीम अली, अब एक और है यहाँ पे, कौन सा है दूसरा, दाचीगाम, दाचीगाम, दाचीगम, यस सर, दाचीगम, दाचीगाम वुलार की राइट में है, यानी वुलार के यस, ईस्ट, सॉरी दल के ईस्ट में है दल के ईस्ट में, ना, यस सराउंडेड बाय टू नेशनल पार्क्स, वन यस, इज, दल के सराउंडेड बाय टू यस नेशनल पार्क्स, ये सर, सब सलीम रट्टा अली मारने जाएंगे तो एंड बहुत दाचीगम, मुश्किल है, राइट, यस सर, रट्टा मारने जाएंगे तो बहुत कठिन है, ऐसे करेंगे तो हो जाएगा, और रोज थोड़ा थोड़ा करना है, नेशनल पार्क एक दिन में नहीं होगा, अभी मैं एक बार में एक चांस में करा दूंगा, मतलब सारे आज नहीं होंगे, बट आपको रोज 10 मिनट लेके बैठना है, एंड यू डू इट फॉर 8 to 10 डेज, हो जाएगा पूरा, ये डल लेक, इसके यस लेफ्ट में कौन सा है, या वेस्ट में, इसके वेस्ट में है वेस्ट ये में है सलीम सर, अली, सलीम अली, सलीम अली और सर, है सिटी दाचीगाम, फॉरेस्ट, है डल लेक, डल ईस्ट लेक किससे में है किसे, दाचीगाम, कौन कौन डल लेक के पास में है, तो सलीम अली और दाचीगाम, डन, दाचीगाम, दाचीगाम, यस सर, कुछ स्ट्रेस पड़ रहा दिमाग पे इस रट्टा मारने में, नहीं है तो पूरा फैक्चुअल ना, यस बट हो जा रहा है, ये रहा हमारा किश्तवर नेशनल पार्क, सर, किश्तवर की किश्तवर तरफ सबसे चलते नीचे, हैं, मोस्ट ईस्ट, मोस्ट ईस्ट इन, मोस्ट ईस्ट इन जम्मू दिस एंड कश्मीर, जम्मू जम्मू कश्मीर, कश्मीर, यस, ये है किश्तवर नेशनल पार्क, अब इस पे जूम करेंगे, आसपास देखेंगे क्या है, कुछ दिख रहा है आसपास, तो कुछ नहीं है, कुछ ओनली नहीं है ना, फॉरेस्ट, तो फॉरेस्ट ही सर, है, कुछ नहीं है, चलो ठीक है, तो झेलम के किनारे हमने दो देखे थे, कौन कौन था, सलीम अली सलीम अली एंड एंड काजीनाग सर, काजीनाग एंड सलीम अली, काजीनाग, नाग, सलीम अली एंड काजीनाग आर झेलम पे, दल लेक के ईस्ट वेस्ट सलीम में कौन कौन है, दल लेक के अली एंड ईस्ट दाचीगम, में है दाचीगम, वेस्ट में है सलीम अली, सलीम अली और सिटी फॉरेस्ट, एवरीवन इज फॉलोइंग, राइट, सबको समझ में आ रहा है, कोई कोई रॉकेट साइंस नहीं है, और सर, जीरो पे इस पे ही जा रहे हैं, राइट, हो जाएगा, एक बार देख लो, ये किश्तवर, किश्तवर के आसपास तो कुछ नहीं दिख रहा है, ठीक है, अब वो क्वेश्चन पूछ लेगा झेलम के बारे में, क्वेश्चन पूछ लेगा दल लेक के बारे में, क्वेश्चन पूछ लेगा ईस्ट टू वेस्ट, क्वेश्चन पूछ लेगा फिलहाल इसमें थोड़ा सा नॉर्थ टू साउथ, तो पता चल जाएगा कि हेमिस कहाँ है, काजीनाग कहाँ है, ईस्ट टू वेस्ट हो जाएगा इसमें, ईस्ट टू वेस्ट अरेंज करो मेरे लिए, चलो रुको क्वेश्चन डालता हूँ, रुको, यस ईस्ट, अरेंज नेशनल, दाचीगाम, सलीम अरेंज अली, काजीनाग, चलो ईस्ट टू वेस्ट करो इनको, अरेंज नेशनल पार्क ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ईस्ट टू वेस्ट मेन ग्रुप में डाला है, क्वेश्चन मेन ग्रुप में डाला है, फटाफट डाल के नीचे कमेंट मारो, आंसर लिखो, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट की तरफ, ग्रेट, चलो जिसका वो हो जाए,
चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसका वो हो गया अगले वाले पे आ जाओ। हाँ जिसका वो हो गया उसके अगले पे आ जाओ। जिसका वो हो गया उसके अगले पे आ जाओ। जिसका दूध सागर हो गया वो उसके अगले पे आ जाओ। दूध सागर पे कुछ ज्यादा ही कमेंट आया भाई, क्यों इतना? दूध सागर ही याद है, डल लेक के आसपास कौन सा है वो भी बताओ। चलो जिसका दूध सागर हो गया उसके नेक्स्ट वाले पे आ जाओ। चलो हो गया। चलो 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 आ जाओ, अब आ जाओ इस पे, नेशनल पार्क पे आ जाओ। तो हमारा कितने हो गए? 9 वहां हो गए थे, 10 हमने गोवा में कर लिया, 3 हमने तेलंगाना में कर लिया, और 1 हमने कर लिया। 9 1 10, 3 13, 1 14 और 4 18 हो गए। 18 हो गए। अब सिंगल सिंगल कर लेते हैं, 20 खत्म कर लेते हैं ना, 20 कर लेते हैं। अच्छा नंबर है, 20 कर लेते हैं। यूपी में कितने हैं? यूपी में वन, में वन से दुधवा, दुधवा दुधवा नेशनल पार्क। एंड ऑल्सो सर देर इज अ पार्ट ऑफ आई गेस अमनगढ़ ऑल्सो रीचिंग ओवर अमनगढ़, देयर, यस वो ऊपर का है व्हिच उत्तराखंड का, वाज जो जो नीचे तक आता है। सर अमनगढ़ इज अ वाइल्ड लाइफ पार्ट सेंचुरी, ऑफ सर, इट इज अ पार्ट ऑफ अनदर नेशनल पार्क आई थिंक, ये सर एक्चुअली जिम वो जब कॉर्बेट। उत्तराखंड और वो डिवाइड हुआ था तब वो अलग हो गए हाँ थे, एंड यस। कौन सा और सर? देखिए यहाँ पे शायद जिम कॉर्बेट का पार्ट है, जिम पार्ट है, कॉर्बेट जिम कॉर्बेट का के। पार्ट है अमनगढ़, और उसके बाद ये दुधवा तक एक्सटेंड होता है। यहाँ पर एक पीलीभीत टाइगर रिजर्व भी है। तो ये है दुधवा नेशनल पार्क, अगर आप यूपी का मैप देखें, ये रहा पीलीभीत टाइगर रिजर्व। बस अभी से बता दे रहा हूँ, तो अगली बार जब टाइगर रिजर्व कराऊंगा तो थोड़ा ध्यान में रहेगा, है ना? ये दुधवा नेशनल पार्क है, उसके ऊपर पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। ये दुधवा नेशनल पार्क है, ये यूपी का मैप है, दिख रहा है? यूपी यूपी यूपी, बड़ा सा यूपी, बड़ा सा यूपी, बड़ा सा, ये पूरा यूपी, पूरा यूपी। ये एकदम उसके नॉर्थ में नेपाल के पास है दुधवा, ये उत्तराखंड है। कोई नदी कोई नदी कोई नदी कोई नदी कोई नदी, ओके ये है काली नदी। काली नदी बताओ, काली नदी से लेफ्ट वाले हिमालय को कौन सा हिमालय बोलेंगे, या वेस्ट में? काली नदी से वेस्ट जितने हिमालय हैं उनको कौन सा हिमालय बोलेंगे? कुमाऊं कुमाऊं, सर, कुमाऊं हिमालय, राइट? और काली नदी से काली सतलज से काली तक कुमाऊं, कुमाऊं है, और काली नदी से तीस्ता तक कौन सा है? नेपाल, नेपाल, नेपाल हिमालय। सबको याद आया? अब यस याद सर। आया, जिसको नाम नहीं याद आ रहा था अब याद आया, हमने किया हुआ ये, राइट? हाँ अब जैसे ही हम रिवाइज करते रहेंगे, जहां मौका मिलेगा हम रिवाइज कर लेंगे। ब्रह्मपुत्र असम, तीस्ता से ब्रह्मपुत्र, असम हिमालयस, ठीक है? तो सतलज तक पंजाब हिमालयस, और फिर कुमाऊं सतलज हिमालयस, से काली सतलज कुमाऊं, से काली, कुमाऊं काली हिमालयस, काली से तीस्ता नेपाल हिमालयस, तीस्ता नेपाल से हिमालयस, ब्रह्मपुत्र, तीसरा असम से ब्रह्मपुत्र हिमालयस, असम। ठीक है? हाँ तो
ये शारदा रिवर भी देखो इसको बोलते हैं, सरयू भी यही है, सरयू भी सेम ही है, काली सरदा तो इसके पास में, इसके इसके वेस्ट में काली नदी है ना, ईस्ट में भी कुछ आ रहा है, क्या है ये, क्या है ये नदी, ये छोटी नदी है, इसको रहने देते हैं, करुंजा रिवर है ये ना, नहीं करू करू कोरियाला रिवर, सॉरी कोरियाला रिवर, और ये है गिरवा रिवर, ये बहुत ही माइनर नदी हो जाएगी, आगे जाके कुछ बन रहा है क्या, आगे जाके ये, आगे जाके क्या बन गई है ये, घाघरा, ये तो घाघरा बन रही है, तो घाघरा और काली के बीच में है दुधवा नेशनल पार्क, बाद में काली जाके मिल जाएगी घाघरा में, राइट, काली इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ घाघरा, घाघरा तीला सेती भेरी राप्ती तीला सेती, ये सर काली काली शारदा बनती है, फिर सरयू बनती है और वो मिल जाती है घाघरा से, घाघरा में घाघरा से फिर राप्ती लेफ्ट बैंक, लेफ्ट बैंक है, फिर तीला सेती भेरी, तीला सेती भेरी ऊपर है, तीला सेती भेरी है, नीरामान सिन्हा का है, नीरामान सिन्हा का है, नीरामान नीरामान सिन्हा भीमा चंद्रभागा, भीमा चंद्रभागा कृष्णा, गुड गुड, चलो तो दुधवा नेशनल पार्क हमने देख लिया, दुधवा नेशनल पार्क हमने देख लिया, ये रही कौन काली, ये रही कौन घाघरा, तो अब जब जब ड्रेनेज सिस्टम पढ़ोगे, जब घाघरा और काली को देखोगे तो दिमाग में आएगा बीच में इनका दुधवा बैठा है, दुधवा नेशनल पार्क है ना, घाघरा और काली के बीच में, बीच में ना ये रहा ऊपर की तरफ, इनके बीच में कौन है, दुधवा नेशनल पार्क, राइट, समझ में आया ना, कोई डाउट, काजीनाग किस पे, कौन सी नदी पे, काजीनाग झेलम, झेलम झेलम पे, तो सलीम अली किस पे, सलीम अली झेलम से, झेलम, डल लेक के ईस्ट वेस्ट में कौन कौन है, वेस्ट में सलीम अली, ईस्ट में दाचीगम, दाचीगम से, सॉरी, चलो ठीक है, फिर और एक कौन सा पढ़ा था हमने, किश्तवर, ये हो गया, दुधवा कर लिया हमने, दुधवा दुधवा कर लिया ना, और आसपास की नदियां भी कर ली, ठीक है, अब हम चलते हैं बिहार की तरफ, बिहार में भी एक ही है, कौन है बिहार में, सर बिहार में वाल्मीकि नेशनल, वाल्मीकि, वाल्मीकि नेशनल पार्क, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व भी है, वन हॉर्न राइनो मिलते हैं, ये देखो ये क्या है, कौन सी नदी है ये, ये तो कनाल है, वाल्मीकि नगर और दारूबारी कनाल, नहीं जाने दो, चलो ये कनाल, ये क्या है ऊपर, ये एक बराज है, वाल्मीकि नगर बराज, चलो इसी नाम से है, ये कौन सी नदी है, गंडक नदी, कौन सी नदी है, गंडक, कौन सी नदी के किनारे है ये, गंडक, गंडक, गंडक तो हमें पता है, गंडक से बिहार लग जाता है, गंडक के बाद कौन सी आती है, बूढ़ी गंडक, बूढ़ी गंडक के बाद कौन सी है ना, तो ये गंडक के बाजू में है वाल्मीकि, वाल्मीकि की भी नदी कर ली हमने, हो गया वाल्मीकि, यस सर, चलो दाचीगाम कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर से, किश्तवर कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर से, सलीम अली कहाँ है, जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, काजीनाग कहाँ है, फॉरेस्ट, काजीनाग जम्मू एंड कश्मीर, वेस्ट मोस्ट जम्मू, फेमस कहाँ है सर, विच वन सर, फेमस लद्दाख, फेमस लद्दाख सर, जस्ट अ सेकंड, जस्ट अ सेकंड, चलो वाल्मीकि हो गया, वाल्मीकि कहाँ है, बिहार, बिहार, कौन सी नदी है, कौन सी नदी है, कौन सी नदी है, गंडक, गंडक, काली और घाघरा के बीच में कौन कौन है, कौन है, काली और घाघरा के बीच में कौन है, दुधवा सर, दुधवा, यूपी दुधवा, काली घाघरा कुरिया, चलो तो अब मुझे बताओ सैडल पीक कहाँ है, सर सैडल पीक अंडमान,
सैडल पीक सबसे नॉर्थ में है कि सबसे साउथ में? नॉर्थ में सर, सबसे नॉर्थ में। नॉर्थ सर, नॉर्थ अंडमान। गलटिया बे? नॉर्थ अंडमान। सदरन मोस्ट सर। उसके ऊपर कौन सा है? गलटिया बे के ऊपर कौन सा है? कैंबेल बे। कैंबेल बे। अब हम थोड़ी दूसरे कर लेते हैं, अब हम उत्तराखंड कर लेते हैं, ठीक है? उत्तराखंड कर लेते हैं। एक हमने लद्दाख के कर लिया, एक हमने उत्तर प्रदेश का कर लिया, एक हमने कर लिया बंगाल का, थोड़े ज्यादा करते हैं। देखो गंगोत्री बताइए, सुना है नाम पहले। गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार। जम कॉर्बेट में हमें पता है, सुना है पहले नाम। नंदा देवी सर, इसका राम गंगा। राम गंगा, यस, इसका नाम राम गंगा हो गया। क्यों सर? ये नहीं पता। रामगंगा नदी किनारे होगा, रामगंगा पढ़ा है हमने। रामगंगा है ना, देख लेंगे अभी, देख लेंगे। नंदा देवी, राजा जी, नंदा देवी माउंटेन, वैली ऑफ फ्लावर्स, यस सर। नाम मोस्टली इसके सबको पता है, अभी हम लोग देख लेंगे कि किस ऑर्डर में है। तो गंगोत्री है यहाँ पे, गोविंद पशु विहार है, जिम कॉर्बेट है, इसका नाम बदल चुका है, रामगंगा हो गया है, नंदा देवी है, राजा जी है, और वैली फ्लावर्स है, है ना? वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली बहुत सारी आएंगे, नेवरा वैली है। नंदा देवी एंड वैली ऑफ फ्लावर्स बोथ आर डिफरेंट सर, नेशनल पार्क में दे आर डिफरेंट, यस, बोथ डिफरेंट नेशनल पार्क। नंदा देवी, वैली ऑफ फ्लावर्स, राजा जी, जिम कॉर्बेट, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री। अभी हम मैप में देखेंगे तो ये ज्यादा क्लियर होगा, मैप में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, मैप में देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। एक मिनट मैप लगाऊं मैं, चलो मैप लग गया। विल फोकस ऑन उत्तराखंड। उत्तराखंड देखो, उत्तराखंड का मैप दिख रहा है कुछ? उत्तराखंड का मैप दिख रहा है, कैसा है, कहां तक है उत्तराखंड? ये देखो, ये दिख रहा है, ये उत्तराखंड है। कैन यू सी द कर्सर? ये इतना उत्तराखंड है, ठीक है? अब हम इसमें चार एक साथ पढ़ेंगे और दो अलग से पढ़ेंगे। कितने इसमें टोटल? छह है ना? यस सर, छह। चार एक साथ पढ़ेंगे और दो अलग से पढ़ेंगे इसमें हम। तो पहले दो पढ़ लेते हैं, ठीक है? ये पढ़ते हैं, ये कौन सा है? राजा जी। राजा जी। और ये कौन सा है? जिम कॉर्बेट। जिम कॉर्बेट या रामगंगा। तो उत्तराखंड का मैप आपको पता चले ना, हल्का सा स्क्वायर या रेक्टेंगुलर शेप में है, टेढ़ा सा है ना, और उसमें ये नीचे वाला साइड है, यानी थोड़ा सा सदर्न वाला साइड है इसमें, राइट? ये यहां तक है, यस सर। और ये थोड़ा इसका सदर्न वाला साइड है। सदर्न वाले साइड में दो है, कौन से है? एक ये राजा जी और रामगंगा। राजा जी के पास से एक नदी गुजर रही है, ये है दहोई गंगा, ये गंगा है। राजा जी के पास से एक नदी गुजरती है, कौन सी? गंगा। गंगा। ये कौन सा है? जिम कॉर्बेट। इसके पास एक वाटर बॉडी दिख रही है, ये है रामगंगा रिजर्वायर, रिजर्वायर के नाम पे रामगंगा रिजर्वायर, ये राइट, यही रामगंगा नदी भी यहीं से निकलती है। okay. मैप दिख रहा है सबको? Yes, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है बॉर्डर। अगर इन सब खिचड़ी के बीच में नहीं दिख रहा होगा, ये उत्तराखंड का बॉर्डर है। मेरा कर्सर देखो, ये उत्तराखंड के बॉर्डर हैं, ये डॉटेड लाइन दिख रही है, ये उत्तराखंड के बॉर्डर पे, जस्ट बॉर्डर पे दो है। ये देखो, ये जिम कॉर्बेट, ईस्ट और वेस्ट में पता चल रहा है कौन सा ईस्ट में कौन सा वेस्ट में? ईस्ट में कौन सा? जिम कॉर्बेट की जिम कॉर्बेट ईस्ट में, जिम कॉर्बेट ईस्ट में। उसके पास में कौन सी है? रामगंगा नदी, रामगंगा रिजर्वायर, और गंगा नदी। उसको इससे भी याद रख सकते हैं कि मतलब डिवीजन हुआ उत्तराखंड का यूपी से, तो उसमें कुछ टुकड़ा जो है जिम कॉर्बेट का उसमें रह गया, तो यानी वो ही होगा ईस्ट में। जिम कॉर्बेट, ये रहा जिम कॉर्बेट। इससे कौन सी नदी गुजरती है जिम कॉर्बेट से? रामगंगा। और राजा जी से? गंगा। गंगा। छह है यहाँ पे, हमने दो कर लिए, अब बाकी के जो है ना वो सी बनाते हैं, सी 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 बनाते हैं। एक मिनट, सारे लोड नहीं हुए तो मैं लोड कर लूं सारे पहले। तो
सारे लोड हो गए, ठीक है चलो। ये दिख रहा है, ये दोनों दिख रहा है? यस सर। ये राजा जी और जिम कॉर्बेट हमने कर लिया, ये दो आगे और बाकी के चार पीछे, दो आगे चार पीछे। सी मैंने इसके लिए कहा क्योंकि कई बार यहाँ पे भी दिखा देते तो ऐसे हो जाता था, बट चलो ये चार पीछे और दो आगे, इनको भूल जाओ, ये स्टेट के नहीं है। ये उत्तराखंड है, दो आगे चार पीछे, ये इसको चार आगे दो पीछे कर लो जैसे मन करे, मतलब दो एक साथ है और चार एक साथ है। अब इसका ऑर्डर याद करो, सबसे पहला गोविंद पशु विहार, सबसे पहले गोविंद है, सबसे पहले गोविंद है ना, उसके बाद है गंगोत्री, जी जी गोविंद गंगोत्री, फिर वैली ऑफ फ्लावर्स आएगा, उसके बाद नंदा देवी लास्ट में, जी जी फिर वैली ऑफ फ्लावर्स फिर नेशनल पार्क नंदा देवी जी जी वीएम। ये दोनों कौन से हैं? राजा जी जिम कॉर्बेट हो गया, राजा जी जिम कॉर्बेट, राजा जी जिम कॉर्बेट है ना, राजा जी जिम कॉर्बेट। ये है, ये कौन सा है, ये कौन सा है, सबसे पहले है गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, गंगोत्री वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स नंदा देवी। बोलो ये कौन सा, ये गंगोत्री, गोविंद 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 पशु विहार, गोविंद पशु विहार, फिर गंगोत्री, ये वैली ऑफ फ्लावर्स, ये नंदा देवी। नंदा देवी को क्या हुआ, समझ में आ रहा है ना सर? थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए सर किस बारे में, बाकी भी हो गए कंफ्यूज, ठीक है। देखो दो है, ये दो है और पीछे चार, आगे दो पीछे चार, आगे दो पीछे चार, राजा जी जिम कॉर्बेट, राजा जी जिम कॉर्बेट, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री वैली ऑफ फ्लावर्स नंदा देवी, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री वैली ऑफ फ्लावर्स नंदा देवी। दिमाग में बिठाओ ये क्या देख के याद आ रहा है, बोलो बोलो खुद से बोलो, क्या है ये सर? गोविंद पशु विहार। ये क्या है? गंगोत्री। ये क्या है? ये क्या है? वैली ऑफ फ्लावर्स। ये क्या है? नंदा देवी। Yes, दिमाग में उत्तराखंड का मैप लाओ, आंख बंद करो, दिमाग में उत्तराखंड का मैप लाओ, सब लोग आंख बंद करो, आंख बंद करो, दिमाग में उत्तराखंड का मैप लाओ, केवल बॉर्डर्स, ऊपर के चार बताओ मुझे, सबसे वेस्ट में कौन सा है या लेफ्ट में? लेफ्ट में गोविंद पशु विहार। गोविंद पशु विहार दिख रहा है मैप में, दिख रहा है आंख में? यस सर। उसके बाद कौन आएगा? गंगोत्री आएगा, उसके बाद गंगोत्री आएगा, जी 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 है ना, दो जी एक साथ है, फिर वैली ऑफ फ्लावर्स, फिर नंदा देवी। नंदा देवी नीचे के दो बताओ सर। राजा जी दिख रहा है ना, राजा जी जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट कौन सा है? बोथ टाइगर रिजर्व एज वेल, यस, रामगंगा जिम कॉर्बेट, और राजा जी के पास से गंगा, तो सलीम अली से क्या निकल रहा है? झेलम। झेलम झेलम तो किश्तवर से झेलम निकल रहा है, किश्तवर से झेलम निकल रहा है? नहीं सर, कुछ नहीं निकल रहा, किश्तवर से नहीं निकल रहा है, झेलम काजीनाग से। हाँ बात खोल लो, हो गया याद, वापस एक बार देखेंगे, वापस एक बार देखेंगे, ठीक है ओके। कौन से ये दोनों? ये दोनों राजा जी जिम कॉर्बेट, राजा जी जिम कॉर्बेट, ये कौन सा होगा सर? गोविंद पशु, गोविंद पशु विहार, गोविंद पशु विहार, सबसे पहला गोविंद है, फिर गंगोत्री, जी 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 जी, वैली ऑफ फ्लावर्स, वैली ऑफ फ्लावर्स नंदा देवी। हो गया याद, उत्तराखंड हो गया, यस सर। कितने हो गए हमारे, कितने हो गए हमारे, हमारा हो गया, हमारा हो गया 9 नीचे का, फिर 1 10 गोवा, फिर 3 तेलंगाना 13, फिर 1 लद्दाख 14, 14 4 हो गए 18, उसके बाद हमने 2 यूपी और बिहार के किए 20, और अब हमने 6 कर लिए 26 हो गए। चलो 26 को फटाक से 28 करते हैं भाई। हरियाणा में दो ही है, एक है ऊपर काले, काले सर, काले सर है, काले काले सर, काले हैं, काले सर, ये है काले सर, हरियाणा में सबसे ऊपर हिमाचल के बॉर्डर के साथ, कौन है? काले सर, सर काले हैं, और ये नीचे दिल्ली के पास सुल्तानपुर, हरियाणा में दो ही हैं, 26 का 28 हो गया, ये रहा सुल्तानपुर, ये रहा सर काले हैं, कहाँ पे? हरियाणा में सर काले हैं, काले सर, राइट? यस सर, यस सर, और ये सुल्तानपुर, काले सर, और ये सुल्तानपुर हो गए, 28 हो गए,
यस सर। बताओ मुझे फिर जो उत्तराखंड में जो पीछे के चार हैं उनका ऑर्डर बताओ, वेस्ट टू ईस्ट। गोविंद पशु विहार, गोविंद गंगोत्री, सर दिल्ली, गोविंद पशु विहार, गंगोत्री, वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी। नंदा देवी। उसको लग रहा है कि उसको थोड़ा सा बोलने में लेट हो जा रहा है याद करने में, जब याद आए तब बोलो, मतलब उस सवाल पूछ रहा हूँ तभी तक ही, बट जिस ऑर्डर में याद है जब याद है तभी बोल दो, बोलो को तो याद होगा। और आगे राजा जी और जिम कॉर्बेट, ईस्ट में कौन है, जिम कॉर्बेट की राजा जी, जिम कॉर्बेट, जिम कॉर्बेट। चलो नॉर्थ, नॉर्थ और साउथ में बताओ, कालेश्वर नॉर्थ में है कि साउथ में, हरियाणा में। नॉर्थ नॉर्थ। दिल्ली, दिल्ली के बॉर्डर्स पे कौन है फिर, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर। अब कालेश्वर को याद किया ना, कालेश्वर से चिपक के एक और है फोन में, क्या लगता है, सिम, ये है सिंबल भरा, सिंबल भरा फोन में सिम लगता है ना, ये भाई सिम है सिंबल भरा, सब बोल रहा हूँ याद कराने के लिए, यहाँ पे फोन का सिम याद आना चाहिए, सिंबल भरा, ठीक है, सिंबल भरा। सिंबल भरा के नीचे कौन है, कालेश्वर, काले सर के हरियाणा में कौन है, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर। हरियाणा के दो कौन से हैं, कालेसर एंड सुल्तानपुर, ठीक है, हो गए 28, कितना 28 किया था हमने, एक और हो गया 29। चलो सिंबल भरा कर लिया, सिम है नीचे फोन में, सिम लगता है ना, सिम हो गया, यस सर। अब जब घुस गए हिमाचल में तो बाकी भी कर लेते हैं, है ना, ये देखो यहाँ चार हैं, देखो ये तीन तो देयर फोर बनाते हैं, ये बीच में एक है, अब कैसे याद रखने का, सबसे ऊपर कौन है, सबसे ऊपर है इंद्र, इंद्र सबसे ऊपर है तो ये रहे इंद्र, है ना, इंद्र किला, इसको या तो याद रख सकते हो, किला सबसे ऊंचा होता है ना, किला ऊपर होता है सबसे, जैसे याद करना है, इंद्र सबसे ऊपर है, किला सबसे ऊपर है, इंद्र किला सबसे ऊपर कौन है, इंदर या किला, वट एवर यू लाइक, इंदर। नीचे क्या था फोन में, क्या लगता है, सिम, सिंबल भरा, है ना, सबसे ऊपर कौन है यहाँ, इंद्र, इंद्र किला। इसके बाद देयरफॉर की दो डंडियां देखते हैं, एक है ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, और सबसे लास्ट में पिन वैली, पिन, पिन, पिन लगा के तो सिम निकालोगे ना, यस सर, सिम के लिए पिन लगता है ना, यस सर। ये है खीर गंगा बीच में, ये हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश दिख रहा है, ये देखो मैं आउटलाइन बनाना शुरू करता हूँ, देखो ये यहाँ से देखो, ये देखो ये हिमाचल है, 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 और ये यहाँ कहीं हल्का सा बीच से राइट की तरफ है, ये सबसे ऊपर कौन है सर, सबसे ऊपर सर इंदर किला, इंदर किला है ना, जैसे भी याद करना हो, इंदर ऊपर है या किला ऊपर है, इंदर किला, और ये देयरफॉर बनाते हैं, और बीच में एक है, तो लेफ्ट में कौन होगा देयरफॉर के, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, और राइट में कौन होगा, पिन वैली, पिन वैली, मिडिल में खीरगंगा, खीरगंगा, पिन से क्या निकलते हो, सिम, तो नीचे है सिंबल भरा, कितने हैं हिमालय में, ये चार इधर और पांच, ये यहाँ से हम चेक कर लेते हैं, पीएमएफ से चेक कर लेते हैं कि यहाँ पांच ही है या नहीं, आर वी मिसिंग समथिंग, यू गाइस फॉलोइंग दिस राइट, समझ में आ रहा है ना ऐसे, रट के भी हो रहा है, चलो चलो देखेंगे हम हिमाचल, हिमाचल कहाँ है, हिमाचल, हिमाचल, हिमाचल पर आ गए, नीचे हिमाचल, ये रहा हिमाचल, हिमाचल में पांच है ना, इंदर किला, सॉरी ग्रेट हिमालय, इंदर किला, खीरगंगा, पिन वैली, सिंबल भरा, पांच है, ये दो हमने कालेश्वर सुल्तानपुर इसके भी कर लिए, राइट, अब वापस आ जाते हैं मैप पे। वापस ये हिमाचल है, हिमाचल में सबसे ऊपर क्या है, सुरेंद्र किला, उसके बाद ये देयरफॉर के लेफ्ट में कौन आएगा, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, अदर्स एज वेल बोलो क्या आएगा, ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय, राइट में क्या है, सबसे सबसे राइट में क्या है, सबसे राइट में पिन वैली, पिन वैली, पिन वैली से सिम निकालेंगे, सिम नीचे है सिंबल भरा, और बीच में है खीर गंगा, खीर गंगा है ना, तो ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के बाद खीर गंगा, हिमालय गंगा भी एक साथ याद रखते, ग्रेट हिमालय, खीर गंगा, फिर पिन वैली, पिन से निकालेंगे सिम, सिंबल भरा, ऊपर है इंदर, ये किला, इंदर किला, डन, यस सर। पांच और हो गए, कोई डाउट है,
सर वो बीच सर के थे, इसकी फिर से वो बोलना कौन से ये ग्रेट हिमालय और वो पिन वैली सबसे ऊपर इंद्र किला, इंद्र सबसे ऊपर होते हैं, ये हाँ किला हाँ सबसे ऊंचा होता है ऊपर, सबसे नॉर्थ में इंद्र किला, हाँ फिर लेफ्ट में ये ग्रेट हिमालय, तीनों लाइन्स हैं ठीक है। ओके सर, या इसको याद ऐसे याद रख सकते हो कि हिमालय में ऊपर ये देरफोर बनता है, ये देखो ये देरफोर पता है ना सबको मैथ्स वाला, ये और बीच में एक होता है ओके दिख रहा है, ये देरफोर बन रहा है, ये हाँ एक हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, और ये बीच में एक है, तो ये हो गया इंदर किला, ये हो गया ग्रेट हिमालय। ग्रेट हिमालय के बाद देरफोर का चौथा जो डॉट है वो है पिन वैली, बीच में है खीर गंगा, खीर गंगा, ओके और नीचे ओके सिंबल बारा, इंदर किला, ग्रेट हिमालय, हाँ सर हो गया, खीर गंगा, पिन वैली, पिन से पिन क्या वैली निकलेगा सिम, पिन से सिम निकलेगा सिंबल बारा, सिंबल बारा, सिंबल बारा सबसे नीचे, सबसे नीचे सिंबल बारा के नीचे कौन है, काले सर, काले सर सर लगा हुआ है। चलो फिर फटाफट मेरे लिए लेफ्ट वेस्ट टू ईस्ट लगा दो, नेशनल पार्क्स ऑफ उत्तराखंड, वेस्ट टू ईस्ट लगा दो, और उन दोनों को छोड़ देना, एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग राजा जी एंड जिम कॉर्बेट सर, जिम कॉर्बेट उनको छोड़ गया, चलो वेस्ट टू ईस्ट लगाओ, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट लगाओ, मेन ग्रुप में डाला है, नीचे आंसर लिखो, चलो लिखो वेस्ट टू ईस्ट सारे लिखो, उन दोनों को छोड़ के, ये चार में होता है दिक्कत। जी जी फिर वी एन वैन हो गया ना, लिखो सारे लिखो लिखो लिखो, सर बाकी की सर ज्योग्राफी सर उत्तराखंड में जो है सर, दो की हम लोगों ने देख ली, दो बाकी उससे रिवर्स नहीं गुजरती है क्या, हम देख रहे हैं, वैली ऑफ फ्लावर्स, अभी देखेंगे यस देखेंगे हम देखेंगे आएंगे यस, तो आगे पीछे करते रहते हैं। चलो नंदा देवी पे आ रहे हैं हम इसके बाद, अब नंदा देवी नेशनल पार्क, इसके पास से क्या गुजर रहा है, ये क्या है, धौली गंगा, नंदा देवी से कौन सी गुजर रही है, धौली गंगा, आ जाओ वहां से कमेंट करके आ जाओ, आंसर लिख के आ जाओ, फिर एक एक करके हम सब में घुस रहे हैं। नंदा देवी के पास धौली गंगा, धौली गंगा जब मिलती है अलकनंदा में तो क्या बोलते हैं, विष्णु प्रयाग, विष्णु प्रयाग राइट, तो सबसे जब हम उस ऑर्डर को देखते हैं तो सबसे पहले धौली गंगा ही मिलती है राइट, नॉर्थ टू साउथ में, हाँ यस सर, फर्स्ट धौली गंगा सर, धौली गंगा, तो उसी से याद रखना, ये नंदा देवी के पास से कौन सी नदी गुजरती है, धौली गंगा। अब जब अगली बार ड्रेनेज सिस्टम करेंगे तो जब धौली गंगा से मिलाएंगे अलकनंदा को तो ये भी दिमाग में आना चाहिए, अरे धौली गंगा के बगल में कौन है, नंदा देवी, नंदा देवी राइट, धौली गंगा नंदा देवी, सबसे ईस्ट में है ये या वेस्ट में है नंदा देवी, उत्तराखंड में, सबसे ईस्ट में, ईस्ट में है सर, उत्तराखंड में ईस्ट, सबसे ईस्ट वाली हमने देख ली, नंदा देवी से कौन सी गुजरती है नदी, धौली गंगा, धौली गंगा, धौली गंगा, वाल्मीकि से कौन सी गुजरती थी, गंडक, वाल्मीकि बिहार में है, बिहार में गंडक है, गंडक बिहार में, तो दुधवा से, दुधवा 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 दो के बीच में थी, घाघरा और काली, काली घाघरा एंड काली राइट, काली वेस्ट में, काली वेस्ट में, घाघरा ईस्ट में, एक ही दिन में हमको इस पे इसमें महारत हासिल नहीं करनी है, रोज रिवाइज करना है इसको आपको ठीक है, 10-10, 15-15 मिनट रोज करना है, हफ्ते भर में तो बहुत अच्छा हो जाएगा ये ठीक है, हम इसको आज
इतना हो सके खत्म करने की कोशिश करेंगे, और फिर जैसे हम पीछे पीछे याद करते रहते वैसा करेंगे। और नंदा देवी के बाजू में कौन है फिर? नंदा देवी के बगल में कौन है? धौलीगंगा। आ गया वैली ऑफ फ्लावर्स, ये है वैली ऑफ फ्लावर्स पे आ जाते हैं। झेलम से कौन कौन निकलती है? झेलम के मतलब झेलम किससे किससे निकलती है? सलीम अली, काजी नाग। सलीम अली और काजी नाग। ये कौन सा है? गंगोत्री। तभी बाकी है नंदा देवी और गंगोत्री के बीच में कौन है? वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क है ना, वैली ऑफ फ्लावर्स। तो देखते हैं वैली ऑफ फ्लावर्स के आस पास क्या है। यह है वैली ऑफ फ्लावर्स, कौन सी नदी गुजरती है देखते हैं, कुछ है इसके आसपास? नहीं, लेकिन एक चीज दिख रही ये है, ये कौन सी है? ये क्या? ये तो रोड है, हाईवे है। तो इसके आसपास कोई नदी कुछ नहीं है। लेकिन एक इम्पोर्टेंट पर्वत जो हमने पढ़ा है ये इसके नॉर्थ में हमें दिख रहा है ना, कमेट पढ़ा है हमने, कमेट। तो थोड़ा सा इसका भी लोकेशन देख लेंगे। ये रहा कमेट, कमेट ये रहा बद्रीनाथ, बद्रीनाथ के ईस्ट में है वैली ऑफ फ्लावर्स। यहाँ तो कुछ नहीं था। नंदा देवी के पास हमने देखा क्या था? धौलीगंगा ना, नंदा देवी के पास धौलीगंगा। ये कि यहाँ पे हाथी पर्वत दिखा रहा है, ये है इम्पोर्टेंट, हेमकुंड साहिब। चलो ढूंढ रहा हूँ हेमकुंड साहिब, ये एक सिख होली साइट है हेमकुंड साहिब, हेमकुंड लेक। ठीक है, इट इज अ सिख होली प्लेस, हेमकुंड साहिब और हेमकुंड लेक, राइट? यस सर। हेमकुंड लेक के जस्ट पास ही है। सर अनम्यूट करना है सर, एक सेकेंड। ठीक है, हेमकुंड लेक है। yes, किसके पास? वैली ऑफ फ्लावर्स के पास हेमकुंड लेक है। ठीक है, एक ही दिन में अगेन याद करने का पूरा जरूरत नहीं है, आराम आराम से करो, बहुत टाइम है, हो जाएगा। हो गया वैली ऑफ फ्लावर और नंदा देवी देख लिया हमने। गंगा देवी yes. गंगोत्री के पास चलते हैं, गंगोत्री के पास चलते हैं। ये सतोपंत दिख रहा है, सतोपंत कौन सा ग्लेशियर है? सतोपंत कौन सा ग्लेशियर है? सतोपंत से कौन सी नदी निकलती है? अलकनंदा बद्रीनाथ मंदाकिनी निकलती है चूराबारी से, और सतोपंत से चारोबारी से मंदाकिनी, और सतोपंत से अलकनंदा। ये सतोपंत अलकनंदा चौराबारी मंदाकिनी केदारनाथ बद्रीनाथ। गुड, चलो ये क्या है? गंगोत्री नेशनल पार्क। वैसे गंगोत्री बोल रहे तो इसके आसपास गंगोत्री होगी। ये क्या निकल रही है? बहुत ही छोटी है शायद। ये भागीरथी है, भागीरथी अलकनंदा से मिलती है तो क्या बनता है? देवप्रयाग। रुद्रप्रयाग पे क्या मिलती है फिर? रुद्रप्रयाग मंदाकिनी एंड अलकनंदा, मंदाकिनी मिलती है अलकनंदा से।
यहाँ भागीरथी दिख रही है बट थोड़ी सी लंबी है, दूर है। यहाँ भागीरथी है इसके लेफ्ट में, ये गंगोत्री नेशनल पार्क है और ये गंगोत्री है। yes, तो यहाँ से गंगोत्री से ऑब्वियसली कौन सी निकलेगी? भागीरथी। भागीरथी राइट। yes, गंगोत्री नेशनल पार्क, गंगोत्री। चलो तो यहाँ इसके पास मेजर नदी में एक थी, यानी गंगोत्री नेशनल पार्क के अंदर ही गंगोत्री जगह भी है, एक्सटेंडेड में होगा मेरे ख्याल से, मतलब बॉर्डर्स पे होगा ये। यहाँ दिखाया तो इतना बड़ा होगा ये, हो सकता है ये यहाँ तक रोड गई है तो बॉर्डर पे होगा गंगोत्री। यस, पास में ही हो। अब हमारा बचता है गोविंद पशु विहार, राइट। गोविंद पशु विहार, इसके आसपास कुछ कोई नदी बॉर्डर है? कुछ नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है ना। यमुनोत्री ग्लेशियर, ग्लेशियर है वो नीचे है। यस, ये तो यहाँ है ना, यहाँ यमुनोत्री यहाँ है, ये यहाँ है, यहाँ यमुनोत्री है, यहाँ बंदरपुत से निकलती है। बंदरपुत से क्या निकलती है? यमुनोत्री ग्लेशियर है ना। ग्लेशियर बंदरपुत क्या है? पहाड़ है। यस सर, राइट। यस, चलो ये दोनों तो हो गई और ये दोनों हमने देख ली, ये चारों हो गए। गंगोत्री के पास भागीरथी है, वैली ऑफ फ्लावर के पास क्या है? कुछ नहीं। नंदा देव के पास धौली गंगा है, हेमकुंड है, हेमकुंड, हेमकुंड, हेमकुंड है, सिक्स हेमकुंड है। किसके पास? वैली ऑफ फ्लावर्स के पास। तो अभी ऐसा नॉर्थ में कामेट भी है, नॉर्थ में कामेट भी है, वैली ऑफ फ्लावर्स है, भगवान की जगह है तो फूल पत्र तो चढ़ाएंगे ही, तो वैली ऑफ फ्लावर्स राइट। इसके सामने कुछ तो डिवाइन है, फ्लावर्स है तो कुछ डिवाइन है इसके आसपास, तो हेमकुंड है। हो गया ये चार। अब इसको देखते हैं, इसको देखते हैं, इंद्र किला के आसपास ये क्या है? बहुत ही पतला है, नाम दिया होगा। बहुत ही मतलब है इंद्र किला सबसे ऊपर क्या है? इंद्र किला ही है, इंद्र किला ही है ना। इंद्र किला से कोई रेलेवेंट स्ट्रीम इतनी बड़ी नहीं दिख रही है। कौन सी है? मलाना रिवर, इट्स सम माइनर रिवर, नहीं पूछेगा। इंद्र किला, इंद्र किला के बाद क्या लेफ्ट में कौन है? ये कौन है? ये ग्रेट हिमालय। हाँ, ग्रेट हिमालय, ये तो खीर गंगा है सर, बीच में तो खीर गंगा। यस, नॉर्थ टू साउथ किया तो भी ये समझ में आएगा ना कि इंद्र किला के बाद खीर गंगा है, फिर पिन वैली है, ये दोनों में ग्रेट हिमालय। मतलब फिर अगर इतना कंफ्यूजन है तो वो नहीं पूछेगा, फिर वो और स्टेट्स मिला के ऑलमोस्ट इन दोनों में पूछ लेगा, क्योंकि ये यहाँ से थोड़ा ऊपर तक भी होगा, तो इतना कंफ्यूजन में नहीं पूछेगा, बट नॉर्थ टू साउथ वो इन दोनों में तो पूछ ही लेगा अगर पूछना होगा तो। ग्रेट हिमालय के आसपास देखते हैं कोई नदी, सम वाटर बॉडी, सब मोस्टली ग्लेशियर ही है, कोई वाटर बॉडी नहीं दिख रही है इसके आसपास भी, राइट। चलो खीर गंगा, खीर गंगा, नो वाटर बॉडी। पिन वैली, देयर इज समथिंग, क्या है ये? इज इट वर्थ आवर नोटिस? कौन सी है? पिन रिवर। चलो पिन वैली से कौन सी निकलती है भाई? ये पिन रिवर है, ये कोई छोटी नदी है, दोनों नाम दिया हुआ है, ये अगेन पिन रिवर की ट्रिब्यूटरी है, इसको नाम भी नहीं दिया है। चलो तो यहां पे कुछ खास है नहीं, केवल पिन वैली के पास पिन रिवर है ना, और एक मनाला रिवर हमने, या ये मनाला या मनाली क्या देखा था, सिंबल देखना है। क्या देखना है? सिंबल बरा भी देखना है, ये सिंबल बरा, सिंबल बरा भी देखना है, तो इसको खोलते हैं। इसमें टाइप करते हैं सिंबल बरा। It would be great if you guys make this
ऑन योर फोन्स, उसको लैपटॉप फोन टैबलेट जहां मन करे बनाओ और फिर रिवाइज करो बढ़िया। ये रहा सिंबल बरा, सिंबल बरा उसके नीचे ये काले सर है ना, तो सिंबल बरा किसके पास है, ये नदी बड़ी सी कौन है, ये यमुना है ना, ये सिंबल बरा ये यमुना, यमुना नदी के पास है सिंबल बरा, सिंबल बरा यमुना, यमुना के पास है ना। तो गंगा के पास कौन सी थे, कालेसर भी यमुना के पास, राजा जी थे सर। हाँ वो कालेसर भी ले लेंगे, वो जस्ट इसके नीचे ही है, तो कालेसर भी ले लेंगे यमुना के पास। और इंटरेस्टिंगली फिर शायद दूसरा वाला भी यमुना के पास है अगर नहीं, ये कौन सा है नीचे के साइड हरियाणा का, कौन सा ये, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर सर, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। एंड वी हैव अ वाटर बॉडी हियर, नॉट मच इम्पोर्टेंट, ठीक है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क। चलो सुल्तानपुर देख लिया, हिमाचल देख लिया, हिमाचल में एक सिंबल बरा के पास गंगा निकली और बाकी पिन वैली के पास पिन निकली, बाकी किसी के पास कुछ निकली नहीं है ना। उत्तराखंड में हमने देखा नंदा देवी जो है वो धौली गंगा के पास है, वैली ऑफ फ्लावर्स, फ्लावर्स भगवान को चढ़ाने के लिए, समथिंग डिवाइन समथिंग होली, हेमकुंड साहिब राइट, हेमकुंड साहिब कुछ चीज फेमस है क्या, हेमकुंड साहिब आई टोल्ड यू सिख श्राइन है वो, एक इट इज अ होली प्लेस ऑफ, सर एक्चुअली आई गॉट डिस्कनेक्टेड फॉर 2 मिनट हेमकुंड साहिब जो है वो, हेमकुंड साहिब इट इज अ सिख होली प्लेस, तो वैली ऑफ फ्लावर्स के नीचे सिख हेमकुंड है और ऊपर कामेट है, और गंगोत्री और गोविंद पशु विहार के पास तो कुछ ऐसा दिखा, गंगोत्री के पास तो भागीरथी देखी, भागीरथी दिखी, और गोविंद पशु विहार के पास, गोविंद पशु विहार के पास कुछ नहीं। अगेन आई लास्ट यू गाइस, इसको आप, हाँ यमुनोत्री वो नीचे थी, काफी नीचे थी यमुनोत्री, आप इसको अपने अपने फोन पे भी गूगल मैप्स पे जाके सेव्ड सेक्शन में जाके नया एक फाइल क्रिएट करिए, एक नया लिंक क्रिएट करिए, उसके अंदर नेशनल पार्क टाइगर रिजर्व और ऐसा लिखते जाइए, नेशनल पार्क में चार चार पांच पांच स्टेट करके एक एक बार में बैठते जाओ, भरते जाओ, ज्यादा कुछ नहीं करना, बस सर्च करना है, सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करते टाइम ध्यान देना है कि जो मेन वाला है उसको सिलेक्ट करो और फिर वो ऐड हो जाएगा, ऐसा करते करते चार पांच स्टेट एक बार में करो, हो जाएगा बढ़िया, फिर जब टाइम मिले आते जाते खाते पीते जब टाइम मिले इसको खोल लो। तो बताओ ये सबसे लेफ्ट में कौन सा है, काजीनाग, ये कौन सा होगा फिर, सलीम अली, ये दाचीगाम, ये किश्तवर, ये है दाचीगाम किश्तवर, ये कौन है, इंदर किला, बीच में खीर गंगा, लेफ्ट में ग्रेट हिमालयन, राइट में पीछे सिंबल बरा, सिंबल बरा कालेसर, कौन सी नदी सिंबल बरा कालेसर के पास, यमुना, यमुना, गुड, और ये सुल्तानपुर। अब हम करेंगे एक नया स्टेट, ठीक है, दो नए स्टेट इजी इजी, ये कौन सा है, डेजर्ट, डेजर्ट में कौन होगा, डेजर्ट नेशनल पार्क। पहले अभी हम जरा राजस्थान पे चल देते हैं और इसके रट लेते हैं, ज्यादा ज्यादा नहीं, चार चार पांच पांच ही है तो फटाक से कर लेंगे हम। इसी के साथ बता दो भाई फिर सबसे नॉर्थ में कौन सा है, अंडमान निकोबार में सबसे नॉर्थ में कौन है, सैडल, साउथ, गलथिया, ग्रेट निकोबार में, यस सर, राजस्थान। देखो एक तो डेजर्ट है, डेजर्ट तो हो गए राजस्थान में है ना, डेजर्ट। अब मैं ये बताता हूँ, देखो एक है सरिस्का, एक है रणथंबोर, एक है मुकुंद्रा, एक है केवला देव, कैसे याद रखना है, देखो सरिस्का के, सरिस्का के डी आर एम, इट्स अ पोस्ट इन इंडियन रेलवे सर्विसेज, किसी को पता हो तो मैंने उसी से याद किया था, DRM रेलवे मैनेजर की एक पोस्ट होती है, DRM डिविजनल रेलवे मैनेजर समथिंग लाइक दैट, तो डिविजनल रेलवे मैनेजर की एक पोस्ट होती है रेलवेज में, तो मैंने सरिस्का के DRM जो ऑर्डर बताया यही ऑर्डर है, सरिस्का के DRM, सरिस्का के DRM है, सरिस्का के DRM, सरिस्का DRM, के से केवला देव, डी से डेजर्ट, आर से रणथंबोर, एम से मुकुंद्रा, मुकुंद्रा हो गया, सरिस्का के DRM, सरिस्का के DRM,
सर ये कौन सी वो है, मतलब राजस्थान, ऑर्डर क्या है इसका? ये जो ऑर्डर बताया सरिस्का केडीआरएम, सरिस्का केवलादेव, नॉर्थ टू साउथ की ईस्ट, यस नॉर्थ टू साउथ, वेस्ट टू नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ टू साउथ। ओके अभी हम इसको देखेंगे मैप में तो क्लियर हो जाएगा। पहले हम सर्च करेंगे सरिस्का, सरिस्का नेशनल पार्क भी है, टाइगर रिजर्व भी है, सरिस्का, या तो सेव्ड वाले में ही चल जाता हूँ। राजस्थान कर रहे हैं हम। अब राजस्थान में डेजर्ट है ये तो सबको पता ही है, और हम शुरू करते हैं यहां से सबसे नॉर्थ में। ये कौन सा होगा? सरिस्का। कहां पर है देख लो, इसकी सरिस्का लोकेशन देख लो। नॉर्थ बोला तो पंजाब के पास ना, ये जयपुर के ऊपर, और ये देखो ये हरियाणा है, ये दिल्ली है, ये यहाँ है सरिस्का, राइट। राजस्थान का एक जो नॉच आता है हरियाणा की तरफ, वहां पर है, ठीक है। ये मैप देख लो, यहाँ पे खत्म होगा, ये यहाँ पे खत्म हो रहा है राजस्थान, है ना। तो सरिस्का के केवलादेव एकदम बॉर्डर के पास, केवलादेव एकदम बॉर्डर के पास राजस्थान दिख रहा है, यहां से बॉर्डर शुरू होता है राजस्थान का, लेकिन ये यहां नहीं है, पंजाब के पास नहीं है, यहां है हरियाणा के पास नीचे की तरफ। सरिस्का के केवलादेव, डी डेजर्ट, रणथंबोर, मुकुंद्रा हिल्स, याद हो गया। अब हम अंदर घुसेंगे, सरिस्का के डी आर एम, सरिस्का के डी आर एम हो गया, सरिस्का के डी आर एम, सरिस्का केवलादेव डेजर्ट रणथंबोर नेशनल पार्क मुकुंद्रा हिल्स। आर यू गाइस फॉलोइंग? सरिस्का केवलादेव डेजर्ट रणथंबोर मुकुंद्रा हिल्स, क्लियर। सबसे साउथ में कौन सा? मुकुंद्रा हिल्स। ये देखो जो मध्य प्रदेश वाला जो नॉच है, वहां मुकुंद्रा, हिल्स, मुकुंद्रा हिल्स, सरिस्का के डी मुकुंद्रा आर एम, हिल्स। केवलादेव डेजर्ट रणथंबोर मुकुंद्रा हिल्स। अब रणथंबोर में घुसेंगे तो रणथंबोर की एक खास बात क्या है, ये दो तरफ से पानी से घिरा, यानी दो नदियां जा रही हैं अगर आप देखेंगे तो। सर इसका के डीआरएम, डी क्या है इसमें से, डेजर्ट, आर क्या है, आर से रणथंबोर, एम से एम क्या से है, के मुकुंदरा, केवला से केवलादेव, देव। तो देखो पहले केवलादेव, रणथंबोर पे फोकस करते हैं। रणथंबोर है ना दो नदियों के बीच में, ये देखो एक ये नदी, एक ये नदी। अब हम देखेंगे कौन सी नदी है, ये कौन सी नदी है, दिया ही नहीं है, इंपॉर्टेंट नदी। बनास है ये, बनास। बनास किसकी ट्रिब्यूटरी है भाई? चंबल, लूनी, अच्छा बनास, यमुना सर, उसकी, यस चंबल, 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 चंबल बनास, चंबल चंबल सर, ये चंबल चंबल इज राइट। चंबल। चंबल और बनास जहां मिलते हैं उसके जस्ट पहले है रणथंबोर, ठीक है। यस सर, बनास चंबल किसकी चंबल ट्रिब्यूटरी है? यस। चंबल की। चंबल में जब वो मिलने जा रही होती है तो इसके बीच में है रणथंबोर, बनास और चंबल के बीच में। आप जब भी ड्रेनेज सिस्टम में बनास और चंबल पढ़ोगे तो बीच में क्या याद आएगा? रणथंबोर, रणथंबोर। रणथंबोर, एक और नेशनल पार्क रणथंबोर, हमने पढ़ा है जो दो नदियों के बीच में है, कौन सा है वो? सर दुधवा, बिटवीन काली एंड दुधवा, घाघरा, काली एंड घाघरा, काली एंड घाघरा, है ना। चलो बनास, तो सरिस्का के डीआरएम केवलादेव के पास देखते हैं क्या है, कुछ है? कुछ नहीं, वाटर बॉडी है, बहुत दूर है, और कोई बहुत दूर है। केवलादेव के पास कुछ नहीं है, सरिस्का के पास क्या है? कुछ खास दिख नहीं रहा है, अच्छी बात है, नहीं पढ़ना पड़ेगा। मुकुंद्रा हिल्स, ये कौन है? काली सिंध, काली सिंध, काली, काली ये सिंध भी चंबल की किस है ना सर? चंबल की? ये लेफ्ट बैंक है, राइट बैंक है? लेफ्ट लेफ्ट बैंक, ये राइट बैंक है, राइट 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 बैंक, ओके बनास लेफ्ट बैंक है। काली बनास, सिंध पे कौन है? काली सिंध, काली सिंध के बाद शिप्रा, शिप्रा के बाद पार्वती, है ना।
ये इतना बड़ा वाटर बॉडी कौन है? ये राणा प्रताप सागर, चंबल थोड़ा सा, राणा प्रताप सागर लंबा है थोड़ा सा। मुकुंदरा इसके लिए हम याद रखेंगे बनास, एक तरफ राणा प्रताप सागर, रणथंबोर दो नदियों के बीच में बनास और चंबल। ये डेजर्ट, डेजर्ट तो डेजर्ट है, कुछ नहीं है यहाँ, राइट? हो गया राजस्थान, हो गया उत्तराखंड, हो गया उत्तराखंड के बताओ, लेफ्ट टू राइट, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट बताना, ईस्ट टू वेस्ट बताओ, चारों बताओ। उत्तराखंड के ईस्ट टू वेस्ट, नंदा देवी वैली, गोविंद पशु विहार, पशु विहार। चलो ठीक है, अब हम करेंगे गुजरात, उसमें सरिस्का के डीआरएम, इसमें भी चार ही है, देखो चारों दिख रहा है। एक तो ये मरीन है भाई, ये कौन सा गल्फ है? मरीन नेशनल पार्क, कौन सा मरीन नेशनल पार्क? एक गिर नेशनल पार्क, तमिलनाडु में भी होता है ना सर, मरीन नेशनल पार्क, मरीन है, मरीन वहां पर भी है, ये गल्फ ऑफ मन्नार है ना वो, नहीं आगे मरीन लगा देते हैं कई बार नेशनल पार्क्स के, उसकी बात कर रहे हैं, आगे कई बार नेशनल पार्क से मरीन लगा देते हैं, लेकिन ये सिर्फ मरीन है। ओके यस सर, ये सिर्फ मरीन नेशनल पार्क है, ठीक है। ये है गिरनार या गिर नेशनल पार्क, सॉरी गिर तो गिर जंगलों में होगा। लोकेशन पता चल रहा है गुजरात का मैप में कहाँ कहाँ है? ये गल्फ ऑफ कच्छ के पास, ये यहाँ पर, ये ब्लैक बक बोलते हैं, वेलवाडार ब्लैक बक नेशनल पार्क, ये गल्फ ऑफ कच्छ की खंबत, दैट इज खंबत सर, दैट इज खंबत। तो ये रहा वेलवाडार ब्लैक नेशनल पार्क, और ये वंसदा वापी के ऊपर सूरत के नीचे, ठीक है, वंसदा, यस, काठियावाड़ पेनिनसुला। चलो ये मरीन, मरीन के बाद ये गिर, गिर के बाद ये वेलवादार ब्लैक बक, और ये वंसदा, वन वंसदा, एक वंसदा, मरीन, गिर, वेलवादार, वंसदा, हो गया याद? यस सर। मरीन में तो चलो ये गल्फ ऑफ खंबत या कच्छ, कच्छ सर, कच्छ, कच्छ। गिर के आसपास छोटी सी वाटर बॉडी है, क्या है ये, नॉट इम्पोर्टेंट, ब्लैक बक, क्या है ये, उतावली, छोटी नदी है, बहुत किसी का मन करे तो देख लेना एक दिन, उतावली नदी है वेलवादार ब्लैक बक के पास, उतावली, ऐसे तो मैं तो बोलूंगा मत पढ़ो, और ये वंसदा, वंसदा के आसपास भी कुछ खास, ये नदी है, कौन सी है ये, कौन सी है ये, नाम ही नहीं, खापरी रिवर है, कोई बात नहीं, छोटी नदी है, इसको भी जाने दो। चार देख लिए हमने गुजरात में, कितने थे, चार, मरीन, गिर, भावनगर, गिर, वेलावदार, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट लगा लोगे इसको, वेस्ट टू ईस्ट, यस सर, वेस्ट टू ईस्ट, सबसे वेस्ट में मरीन, फिर गिर, फिर ब्लैक बक, फिर वंसदा, या वेलवादार, ब्लैक बक, फिर वंसदा, ठीक है, वंसदा हो गया, याद हो गया, वापस से रिवाइज करना है इसको, नहीं होगा ये, बट आज एक बार देख ले, कुछ तो दिमाग में घुस जा रहा है ना कि हाँ ये कहाँ है, हल्का फुल्का है ना। अभी हमने ऊपर के स्टेट्स कर लिए, हरियाणा के पास साबरमती है क्या सर, देखते हैं, साबरमती ऊपर, साबरमती ऊपर है, ऊपर है, ओके सर, साबरमती तो अहमदाबाद के पास है, यहाँ चलो, यहाँ पे नर्मदा या कुछ हो सकती है सर, नर्मदा, तापी, नर्मदा भी नहीं हो सकती कि नर्मदा यहीं आके गिर जाती है, वेलवादार यहाँ है, यहाँ तक नहीं आती, ये यहीं गिर जाती है, ये बन रही होगी शायद, कौन सी है ये नर्मदा है, ये यहाँ माउथ बन गया नर्मदा, ये यहाँ वेलवादार यहाँ है। चलो हमने लद्दाख कर लिया,
हमने जम्मू कश्मीर कर लिया, उत्तराखंड कर लिया, हरियाणा कर लिया, हिमाचल कर लिया, यूपी कर लिया, बिहार कर लिया, राजस्थान कर लिया, तेलंगाना कर लिया, तेलंगाना कर लिया, गोवा कर लिया और अंडमान निकोबार कर लिया। अभी दो दो एक एक वाले फटाफट निपटाते हैं। भीतर कनिका सुना है कभी? भीतर कनिका सर, भीतर कनिका ओडिशा सर, स्वैम्प, गहिर माथा बीच, ओलिव रिडली सी टर्टल। और सिमलीपाल सुना है कभी? सिमलीपाल, सिमलीपाल है सर ओडिशा, सिमलीपाल भी ओडिशा में। ये दोनों नाम के नेशनल पार्क है, ओडिशा में है। ठीक है, यस सर। हमें बस इतना देखना है नॉर्थ साउथ में कौन सा। नॉर्थ में सबसे कौन है? सिमलीपाल। यह है सिमलीपाल नेशनल पार्क, है ना? सिमलीपाल, सिमलीपाल के नीचे कौन है? भीतरकनिका, राइट? यस सर। सिमलीपाल, सिमलीपाल के नीचे भीतरकनिका। हो गए दो और एक और स्टेट हो गया, है ना? यस सर। अब एक एक दो दो वाले ज्यादा मेहनत नहीं। अभी ज्यादा ज्यादा मैं बताता हूँ, साउथ में है ज्यादा, मध्य प्रदेश में है 11 शायद, महाराष्ट्र में 6 है। तो पर हमने कर लिया क्या? हमने कर लिया सिमलीपाल भीतर करने का। सिमलीपाल नॉर्थ में, भीतर करने का नॉर्थ में। सिमलीपाल इज इन द नॉर्थ सर। हाँ, और उसके ऊपर भीतर करने का, राइट? ये एक नदी बह रही है, ऋषिकुल्या रिवर वेयर सर, भीतरकनिका के पास सर, ऋषिकुल्या। यस, ऋषिकुल्या। आई हैव रेड ऑन दैट ऑलिव रेड लीफ दैट है ना, ये और देयर इन द, हां ऋषिकुल्या, यस यस। ये कौन सी है? ये कौन सी है? ये कौन सी है? एक तो ये देखो, सिमलीपाल के लेफ्ट में तो सबसे पहले भीतरकनिका बह रही है। यस सर, सिमलीपाल के लेफ्ट में कौन है? यहाँ पे भीतरकनिका बह रही है। इस ऋषिकुल्या होनी चाहिए यहाँ पे, ये इतने सारों में से कोई एक ऋषिकुल्या होनी चाहिए। पर भीतरकनिका नाम की भी रिवर भी है? कोई माइनर रिवर होगी तो पता नहीं, पढ़ा तो नहीं है। कोई हो सकता है, इधर उधर छोटी सी हो। ये ब्राह्मणी नदी है जो इतना घूम घूम के आ रही है, ये वाली तो ब्राह्मणी है। ब्राह्मणी, बैतरणी, याद है? ब्राह्मणी, ब्राह्मणी के अंदर बैतरणी मिलती है, बैतरणी मिलती है। ब्राह्मणी पे भीतर करने का, ब्राह्मणी के माउथ पे भीतर करने का, और बैतरणी पे सर दैट इज ऋषिकुल्या रिवर इटसेल्फ सर, दैट भीतरकनिका नेशनल पार्क, आई हैव सीन इन द मैप सर। ओके ओके, दैट फ्लो इज ऋषिकुल्या रिवर इटसेल्फ। ऋषिकुल्या, दिस वन? यस हां, यस सर, दैट फ्लो तो उसके ऋषिकुल्या। हां यस सर। ओके, ये तो जो आ रही है ये मेन, ये ब्राह्मणी है, और सिमलीपाल इसके पास में बैतरणी है। ये वाली कौन सी है? ये बैतरणी है। सो ब्राह्मणी, बैतरणी हमने पढ़ा था, बैतरणी के ऊपर वो ऋषिकुल्या इज अ माइनर रिवर, वो बस हमने पढ़ लिया था वहां पे क्योंकि वो फेमस है ऋषिकुल्या सी टर्टल के नाम से। बाकी मेजर रिवर ये बैतरणी है और वो ब्राह्मणी है। मेजर रिवर्स में पढ़ना है तो मेजर पूछेगा तो वो ब्राह्मणी, बैतरणी। ब्राह्मणी ऊपर कौन सी है सर? ये जो भीतर करने का कि ऊपर नहीं सर, यहीं पे जो दो फ्लोज दिख रहे हैं इसमें, ये बेहतर ऊपर कौन सा है? बेहतर नहीं का ऊपर, बेहतर नहीं। ये एक ही नदी आ रही है ना, देखो इधर से बन गई दूसरी निकल गई। ये निकल गई, ये मेन अच्छा, ब्राह्मणी नदी है, एक ही नदी है, उसी में से कोई छोटी मोटी एकादा निकल जा रही होगी, उसका नाम ऋषिकुल्या रख दिया होगा। मेन नदी एक ही है, ये यहाँ से भी एक आ रही है, मिल जा रही है। दिस इज बेहतर नहीं, ये ब्राह्मणी, मेन ब्राह्मणी है, ये बैतरणी है। ठीक है, तो हमने दो कर लिए। अब एक करते करते चलो, आ रहे हो तो ओडिशा से निकले हैं तो एक करते हुए चलते हैं झारखंड में। बेतला एक कर लेते हैं, झारखंड का बेतला, है ना? बेतला नेशनल पार्क, ओनली वन नेशनल पार्क इन झारखंड, वेरी गुड। यह है बेतला और यह है नदी, कौन सी नदी है? नॉर्थ कोयल, सोन।
नॉर्थ पोल किसमें जाके मिलती है? सोन में। चलो तो नॉर्थ कोयल के फ्लो के बीच में है बेतला, ठीक है? नॉर्थ कोयल के फ्लो के बीच में कौन है? बेतला। और कौन सा स्टेट है? झारखंड। हमने झारखंड कर लिया, हमने उड़ीसा कर लिया, नॉर्थ ईस्ट कर लिया सर। नॉर्थ ईस्ट में ये देखो दो दो वाले हैं, दो वाले। ये देखो ये कौन सा स्टेट है, कौन सा स्टेट है ये? मेघालय। मेघालय है। मेघालय में नोक्रेक बाल पकड़म, बाल पकड़म, नोक्रेक बाल पकड़म, बाल पकड़ लिया, नोक्रेक बाल पकड़म, नोक्रेक बाल पकड़म, बाल पकड़म पकड़ लिया, बाल नोक्रेक बाल पकड़म। सर इसको ऐसे में कर सकते हैं कि मेघ मेघ में मतलब जब बारिश होती है तो बाल बच्चे जो रहते हैं नौका चलाते, नोक्रेक बाल पकड़म नौका चलाते, जब बाल पकड़म नोक्रेक, ठीक है? नॉर्थ टू साउथ, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट में बाल पकड़म है, फिर नोक्रेक है, हो गया? नोक्रेक बाल पकड़म, नोकरे बाल पकड़म। देखो नागालैंड में एक ही है भाई, नागालैंड में एक ही है, टंकी, ई टंकी, ई टंकी, नागालैंड में एक ही है, ई टंकी, ई टंकी। ये कौन है? त्रिपुरा। क्लाउडेड लेपर्ड और राजबारी, राजा बारी, राजबारी, क्लाउडेड लेपर्ड, राजबारी, क्लाउडेड लेपर्ड, राजबारी, ठीक है? क्लाउडेड लेपर्ड, राजबारी। कुछ दिख रहा है आसपास? बहुत ही छोटा सा है ये, कुछ नॉट इम्पोर्टेंट। और राजबारी बिल्कुल बॉर्डर पे, कौन सा बॉर्डर है? म्यांमार का बॉर्डर है कि बांग्लादेश का? म्यांमार। बांग्लादेश है भाई, नीचे तक बांग्लादेश है। हाँ। त्रिपुरा के बारे में, त्रिपुरा तीन साइड से घिरा हुआ है बांग्लादेश से। Yes. The only northeastern state which is surrounded by Bangladesh on its three sides. Bangladesh है, ठीक है? तो हमने नोकरेक बाल पकरम कर लिया, नोकरेक बाल पकरम। हमने टांकी कर लिया, टांकी, टांकी कहाँ है? कहाँ है टांकी? नागालैंड। ये दोनों कौन है? क्लाउडेड लेपर्ड और राजबारी, राजाबारी, क्लाउडेड लेपर्ड और राजाबारी, त्रिपुरा, क्लाउडेड लेपर्ड, क्लाउडेड लेपर्ड और राजबारी, राजबारी। नॉर्थ टू साउथ देखते रहना, ईस्ट टू वेस्ट देखते रहना, नागालैंड ऊपर है। ये कौन सा स्टेट है? ये वाला, ये कौन सा स्टेट है? मिजोरम। मिजोरम, मिजोरम में एक तो याद कर लो, एक साथ याद कर लो, मिजो मुरलेन, मिजो मुरलेन याद करो, मिजो मुरलेन, सिर्फ मुरलेन नहीं, मिजो मुरलेन, क्योंकि एक मुरलेन है, एक मोल्लेम है, अभी और एम से आएंगे, मुरलेन, मुरलेन नहीं, मिजो मुरलेन, ठीक है? मिजो मुरलेन, मिजो मुरलेन। तो मुरलेन कहाँ है? मिजो में। और यह है फांगपुई, नॉर्थ टू साउथ, ये चारों लगाने बोल देगा, चारों लगाने बोल देगा। फांगपुई कहाँ है? फांगपुई हमने पढ़ा है, फांगपुई, ब्लू माउंटेन, हाईएस्ट पीक, ब्लू माउंटेन, फांगपुई, मिजोरम है ना, मिजोरम। कुछ है इधर? कुछ नहीं है। मुरलेन हो गई, मिजो मुरलेन हो गया, फांगपुई हो गया। ये है केबुल लामजाओ, क्या ये मणिपुर, केबुल लामजाओ, शिरुई, दो ही है, केबुल लामजाओ, शिरुई, शिरुई ऊपर है, केबुल लामजाओ नीचे है, एसके, मिजो मुरलेन, फांगपुई, एसके, शिरुई, केबुल लामजाओ, मिजो मुरलेन, फांगपुई, इटांकी, शिरुई, केबुल लामजाओ, मिजो मुरलेन, फांगपुई, इटांकी, शिरुई, केबुल लामजाओ, मिजो मुरलेन, फांगपुई, क्लाउडेड लेपर्ड, राजाबारी, इटांकी, शिरुई, केबुल लाम जाओ, मुरलेन, फांगपुई। समझ में आ रहा है कुछ? ये दोनों कौन है? कौन है ये दोनों? बालपकरम और नोकरेक। नोकरेक नीचे बालपकरम, ऊपर नोकरेक, और वेस्ट में नोकरेक, ईस्ट में बालपकरम। नोकरेक बालपकरम, नोकरेक, नोकरेक बालपकरम, बालपकरम, नोकरेक बालपकरम। ओवर हो रहा है क्या? ज्यादा हो रहा है आज के लिए? उसके बाद अभी तो टाइगर रिजर्व, फिर रामसार, रामसार, वेटलैंड्स, एलिफेंट कॉरिडोर्स, मैंग्रोव साइट्स, थोड़ा थोड़ा रोज करो। ये तो दो दो एक एक है, निकाल लेते हैं।
है ना, नोकरेक बालपक्रम, क्या आज आज क्या कान में भी पड़ जाएगा ना तो कल आसानी होगी। नोकरेक बालपक्रम सर, बालपक्रम नोकरेक बालपक्रम, ये क्लाउडेड पर राजाबारी, क्लाउडेड राजबारी, टांकी नागालैंड में एक ही है भाई टांकी। Yes, मणिपुर में आ जाओ, नागालैंड के नीचे मणिपुर, दो ही पड़ा शिरोई और केबुल लाम जाओ, नीचे मिजोरम में आ जाओ, दो ही पड़ा मिजो मोटेन फांगपुई। बस कचरा तो यहाँ है करना है। ये कौन सा होगा बताओ, कौन सा? काजीरंगा, सॉरी कंचनजंगा, कंचनजंगा सिक्किम है, सिक्किम में तो ये कंचनजंगा ही होगा है ना। यस सर, सिक्किम में कौन होगा? कंचनजंगा। एक सेकंड, तो वो याद करने में कोई दिक्कत हुई नहीं? एक ही तो है सिक्किम में ना। यस सर, कंचनजंगा। यस सर, तो पहले से पता है। ओके सर, तो पहले से पता है। ये कौन सा, इसके नीचे कौन सा स्टेट है सिक्किम के नीचे, ये जो बॉर्डर है, ये बॉर्डर के नीचे कौन सा बंगाल? वेस्ट बंगाल। तो वेस्ट बंगाल के दो देख लें, ये कौन है? यस सर, सिंगलीला सिंह है इसके पास, सिंगलीला सिंह, सिंह लीला, सिंह से ये मारेगा गोरु मारा, सिंगलीला गोरु मारा क्रॉस में, जस्ट बाजू वाला नहीं, बाजू वाला तो नेवरा वैली है, एक है वैली ऑफ फ्लावर्स, ये है नेवरा वैली, भूलना नहीं। कंचनजंगा नीचे क्या है सर? यस सर, पिन वैली इज इन हिमाचल प्रदेश, वैली ऑफ फ्लावर्स इज इन उत्तराखंड, नेवरा वैली इज इन वेस्ट बंगाल, देन देयर इज कांगेर, कांगेर घाटी, कांगेर घाटी कहते हैं, कांगेर वैली भी कहते हैं, उस पे भी आते हैं। ये है कंचनजंगा, कंचनजंगा से उतरते ही इसके पास है सिंह, सिंगलीला, और सिंह से ये मारेगा गोरुमारा, और गोरुमारा के ऊपर कौन है? नेवरा वैली, नेवरा वैली है ना। देखो सिक्किम से उतरते ही दो लाइंस है आजू बाजू, कौन कौन है? सिंगलीला और नेवरा वैली है, और जो सिंह है से मारेगा गोरुमारा। अब यहाँ नदियां भी खूब है, आते हैं। ये है जल डापरा, ये है बुक्सा, बक्सा बॉक्सिंग बुक्सा, और बस एक सुंदरबन से नीचे, ये तो पता ही है सुंदरबन, सुंदरबन यस सर, सुने में नाम है ना। कंचनजंगा ये तो पता ही है, इसके बाद ये बताया सिंह है इसके पास, सिंगलीला, सिंह से ये मारेगा गोरुमारा, उसके ऊपर है नेवरा वैली, ये है जल डापरा बुक्सा, ये तीन खाली याद करना, तीन लाइन से कौन है? गोरुमारा, सिंह, गोरुमारा, जल डापरा और बुक्सा, और नीचे सुंदरबंस। ले लो टाइम, प्रोसेस कर लो आराम से। बताओ ये कौन सा है, ये कौन सा है, ये कौन है, ये सर गोरुमारा, नेवरा, नेवरा वैली, गोरुमारा नीचे है उसके। कंचनजंगा, कंचनजंगा में मान लो देयरफॉर बना रहा है, कंचनजंगा सिक्किम के बाद ही देयरफॉर बनता है कंचनजंगा, उसके बाद ये सिंगलीला, उसके बाद ये नेवरा वैली, अब ये वाले सिंह से मारेगा गोरुमारा, गोरुमारा के बाद दो ही है भाई, जल डापरा और बुक्सा, बुक्सा। आओ नदी देखें, हमने जो नदियां पढ़ी हैं वही है, ये देखो ये बॉर्डर बना रही है, कौन है ये बॉर्डर बना रही है? संकोच, लिखा ही नहीं है, क्यों नहीं लिखा है? और नीचे लिखे रहा क्या? है तो ये संकोच, पर संकोचवश ये लिख नहीं रहा है, कहाँ लिखेगा? है तो संकोच पर लिखा नहीं है, बुक्सा से गुजरती है संकोच। यस, ये बुक्सा, ये बागुल में बक्सा, और ये देखो रायमोना भी है यहाँ पे, ये आसाम का है। ओके, ये सर यानी सब दो दो रिवर्स के बीच में दिखते हैं सर? हाँ, सारे साइड के रिवर्स। ये देखो ये बुक्सा, ठीक है, अब बुक्सा के इधर कौन है इसको देखो, पहला लेयर हमारा याद करने का नेशनल पार्क याद करें, उसके बाद हम नदी देखेंगे, ठीक है? तो पहले पहले टाइगर रिजर्व, पहले रिवर, सॉरी नेशनल पार्क याद करो, फिर नेक्स्ट लेयर में, ये तो मैं अभी दिखा दे रहा हूँ ताकि देखो, ये कलजनी, तोरसा कलजनी, तोरसा कलजनी की कलजनी, वो नेक्स्ट लेयर होगा, वो बाद में भी कर सकते हो, मैं अभी दिखा दे रहा हूँ कैसे करना है। अब नेक्स्ट टाइम तुम भी जूम करोगे, तुमको भी दिखेगा,
अब ये कलजनी है तो ये कौन होगी? थोड़ा कलजनी राइडाक नहीं उसके देखते हैं तीस्ता। और ये मिल रही है तो कौन है ये, कौन है ये? तोरसा, ये तोरसा कलजनी, तोरसा कलजनी, कलजनी पे कौन है सबसे लास्ट में? बुक्सा। तोरसा के बाजू में कौन है? जल डापरा। गोरुमारा से कौन सी निकल रही है ये? गोरुमारा के राइट में। ये आराम से बाद में करना, जल ढाका, जल ढाका, देखो जल ढाका, जल ढाका के बाद जल डापरा। ये कौन है? ये जो है ये नेक्स्ट लेयर है, इसको आराम से करना, पहले ये रट लो, है ना? ये कोई छोटी बड़ी जाने दो। डापरा है, फिर उसके बाद उसके दूसरी साइड में तोरसा है, तोरसा और कलजनी के बीच में भी कुछ है? हाँ, तोरसा कल, ये कलजनी नहीं, तोरसा कलजनी के बीच में कुछ नहीं है। जल डापरा ये एक्सटेंड हुआ है यहाँ तक, जल डापरा मतलब पास होता है ऐसा समझ लो, ये जल डापरा यहाँ भी है, उसके बीच में से निकलती है तोरसा। तोरसा कलजनी में कौन है? जल डापरा बुक्सा, लास्ट के दो जो है वो तोरसा कलजनी, तोरसा कलजनी एक साथ याद रखते हो, और इसके भी लास्ट के दो एक साथ याद रखो, जल डापरा बुक्सा, जल डापरा बुक्सा, है ना? तोरसा कलजनी एक साथ याद रखते हो, याद रखो बंगाल के जो लास्ट के दो हैं, जल डापरा बुक्सा, जल डापरा बुक्सा। ये गुरु मारा, मारा किसने? सिंह लीला ने, सिंह से नेवरा वैली कंचनजंगा, समझ में आ रहा है? भी आसाम में घुसूंगा तो आसाम में तो जाएगी कि घुस जाऊं, दिखाते हुए चलता हूं। पहली है रायमोना, ठीक है, रायमोना। अब रायमोना के बाद याद करो मॉन्क, मॉन्क पता है? मॉन्क, मॉन्क, मॉन्क D1 D2, रायमोना है, रायमोना के बाद है मॉन्क D1 D2। मॉन्क कौन है? मॉन्क का M है मानस, O है ओरांग, N क्या है? ना मेरी, मेरी नहीं है, ना मेरी। K है काजीरंगा। D1 D2 कौन है? D1 D2 दिब्रू साखोवा दिहिंग पटकई। आसाम डिफिकल्ट है? कहाँ डिफिकल्ट है भाई, रायमोना, मॉन्क D1 D2 हो गया, रायमोना मॉन्क D1 D2 कहाँ कठिन है? मॉन्क मैम क्या है? मानस, काजीरंगा, मानस, सर दिख रहा है आसाम का, मानस। ये है रायमोना, सबसे पहले रायमोना, रायमोना के बाद मानस, मानस के बाद ओरांग, सॉरी मानस के बाद ओरांग आता है, ओरांग, ओरांग, नामेरी, ओरांग, काजीरंगा, ओरांग नहीं मार्क किया मैंने, ओरांग, ओरांग के बाद मैंने ओरांग दिखाता हूँ, फिर नामेरी, नामेरी के बाद मेरी नहीं है, नामेरी के बाद काजीरंगा। ये ब्रह्मपुत्र बह रही है, ब्रह्मपुत्र के नॉर्थ में नामेरी है, साउथ में काजीरंगा, D1 D2 ये है दिब्रू साइकोवा दिहिंग पटकई। ये माउलिंग नामदफा अरुणाचल का, माउलिंग इधर है, नामदफा इधर है, माउलिंग है, मौलेम है, मुरलेन है, इसके लिए बोला मिजो मुरलेन, कम से कम एक तो क्लियर हो, मिजो मुरलेन, मिजो मुरलेन, माउलिंग, माउलिंग अरुणाचल, माउली, माउलिंग, माउलिंग या मोली, चलो माउलिंग, नाम दफा, दफा नाम, दफा भाई नाम, दफा यहाँ से चाइना को दफा करते हैं हम, नाम दफा अरुणाचल से, तो अरुणाचल में नाम दफा, अरुणाचल, नदी वदी बाद में देखेंगे इसकी, पहला लेयर तो नाम याद कर लो, है ना? यस सर। देखो यस करते करते कम से कम एक बार नॉर्थ ईस्ट निपट गया पूरा, है ना? कौन है ये ऊपर, कौन है सबसे, कौन बैठा है? कंचनजंगा सर, कंचनजंगा, कंचनजंगा नीचे कौन है? तो सिंह मारने के लिए तैयार है, सिंह लीला, सिंह किसको मारेगा? ये नेवरा वैली, सिंह मारेगा इसको, गोरुमारा, गोरुमारा, और तो हमको पता है जल डापरा और उक्सा, कौन सी नदी थी? तोरसा कलजनी, तोरसा कलजनी एक साथ पड़ी है, जल डाका, जल डापरा और उक्सा, ये इसके जस्ट बाद रायमोना, मोना, रायमोना, रायमोना, रायमोना के बाद मॉन्क D1 D2 मानस, ओरांग, नामेरी, काजीरंगा, D1 D2 दिब्रू साइखोवा दिहिंग पटकई,
दिब्रू सखोवा दिहिंग पट गई माउलिंग नाम दफा दफा माउलिंग नाम दफा दफा हो गया पूरा नॉर्थ ईस्ट एक बार फुल नॉर्थ ईस्ट। ये देखो ये क्लाउडेड लेपर्ड, ये देखो मिनट राजबारी, क्लाउडेड लेपर्ड के नीचे राजबारी, राजबारी है ना म्यांमार में, अरे मणिपुर में जाएंगे दो तो कौन है, मणिपुर में शिरुई और केबुल लामजा और सिरुई, मिजोरम में मिजो मुरलेन फांगपुई, नागालैंड में फांगकी, अरुणाचल में दो ही है माउलिंग नाम दफा, आसाम में कौन है रायमोना फिर मॉन्क डी वन डी टू, माना सोरांग नमेरी काजीरंगा दिब्रू सखोवा दिहिंग पट गई। ये रहा कंचनजंगा, कंचनजंगा सिंगलीला सिंह से मारूंगा गोरी गोरू मारा उसके ऊपर नवेरी, ये रहा जल डाका और जल डापरा और बुक्सा, बुक्सा हो गया सर। ये वेस्ट बंगाल में एक बार रिवर्स बोल लीजिए सर नेशनल पार्क्स का, लाइक यू आर सेइंग इट प्लीज रिपीट इट सर। ये देखो सबसे लास्ट में कौन है, जलडापरा और बुक्सा, अब देखो बुक्सा सारी रिवर्स जो खोद खोद के देखेंगे वो कल करेंगे, आज मैं केवल इसके ये करा दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, बट ये दोनों हमने देख ली कि जल डापरा और बुक्सा के पास से कौन गुजरती है, तोरसा कलजनी, कलजनी तोरसा, तोरसा तोरसा लेफ्ट में तो कलजनी राइट में, बस इतना देखा हमने अभी है ना। यस बाकी नदियां में कल घुसे जल डापरा। ओके हाँ तो नेशनल पार्क अभी क्या नाम याद होना जरूरी है, अभी तो नाम भी नहीं पता है कईयों को। हमने ये कर लिया, हमने नॉर्थ ईस्ट कर लिया, हमने राजस्थान गुजरात कर लिया, ये पूरा कर लिया, हमने उड़ीसा कर लिया, हमने झारखंड कर लिया, छत्तीसगढ़ क्यों छूट गया, गुरघासीदास इंद्रावती, इंद्रावती नदी का नाम सुना है? यस सर। बस इंद्रावती नेशनल पार्क भी है, कौन होगी ये फिर, इंद्रावती होनी चाहिए है ना, पर नाम नहीं बताएंगे ये लोग। इंद्रावती छत्तीसगढ़ में तो दो ही है, देखो एक छत्तीसगढ़ पता है कैसा लंबा सा है, टॉप टू बॉटम लंबा सा है ना, कहाँ है छत्तीसगढ़, कहाँ है छत्तीसगढ़, ये देखो ये रहा, तो नीचे की तरफ जो ये नॉच आता है अगर आप इंडिया का मैप देखें, नीचे की तरफ जो लास्ट नॉच आता है उसमें है इंद्रावती और ऊपर की तरफ है गुरु घासीदास, गुरु घासीदास कहाँ, ये रहा ये गुरु घासीदास है, ऊपर की तरफ गुरु घासीदास, नीचे की तरफ इंद्रावती, इंद्रावती तो नदी का नाम पढ़ा है, नया क्या पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं, किसकी ट्रिब्यूटरी इंद्रावती, गोदावरी सर। ये कौन है गुरु घासीदास, इसके एक्सटेंशन में यहाँ पे संजय नेशनल पार्क है, बट एमपी हमने आज नहीं करना है, एमपी बहुत बड़ा है। हो गया छत्तीसगढ़ भी हो गया सर, यहाँ पे कांगेर भी है सर छत्तीसगढ़ में, कांगेर वैली कहाँ पर है, कांगेर वैली नीचे की ऊपर सदर्न पार्ट में, कंगेर घाटी या कंगेर वैली इंद्रावती के राइट में, यहाँ पर भी एक नदी दिख रही है, वाटर बॉडी दिख रही है, कौन है ये, नाम नहीं दिख रहा है, चलो कल पता करके आऊंगा मैं ये कौन सी है। चलो फिलहाल नाम तो हमने छत्तीसगढ़ के रख लिए है ना, अब बचे बड़े बड़े में हमारा बचा है मध्य प्रदेश, और देखो जो मैंने इस पे मार्क किए हैं और मैंने नहीं बताया है वो केवल महाराष्ट्र बच रहा है राइट, किसका, उसमें नहीं बताया है, ऐसा सिर्फ एक बच रहा है महाराष्ट्र, तो उसके साथ अन्याय नहीं करते हैं, इसको करके खत्म करते हैं ठीक है, बाकी सारे मैंने बता दिए, कल फिर से एक एक बार देख लेंगे राइट। अब What is your part in this? आप इसको अपने मैप पे मार्क करिए और एक एक पे वापस जाके जूम करके देखिए, एक दिन में याद होगा दो दिन बाद फिर से भूल जाएंगे कि कौन सी नदी क्या था, उसको जूम करके रोज देखते रहिए मैप, जरा खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते जब मन नहीं कर रहा तो ये टाइम पास है ना, एक्टिविटी है कम से कम, कोई बैठ के रटना नहीं है, थोड़ा चलते फिरते कुछ मैप पे मार्क करो, तो आपके आपका काम है ये कि अब आप जूम कर करके ढूंढेंगे कि कौन सी नदी कहाँ पर है, क्योंकि ये रट्टा मारने वाली चीज नहीं है, मैं केवल आई एम मेकिंग यू aware to these things। अब मेरे
मैप में जो बना है, इसमें जो मैंने मार्क किया है और आपको नहीं पता चला है, वो केवल एक स्टेट है, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हम शुरू करेंगे मुंबई से। ये संजय गांधी नेशनल पार्क, बोरीवली नेशनल पार्क भी बोलते थे। तो क्या ये संजय गांधी नेशनल पार्क इज इन मुंबई, ज्यादा नहीं है इसमें। ये देखो गुगामल, यही नाउ, मैंने गावलीगढ़ हिल्स बताया था। यस सर, गुगामल, संजय गांधी गुगामल। ये पेंच है, पेंच नेशनल पार्क इधर भी है, पेंच मध्य प्रदेश में भी है। पेंच नेशनल पार्क नागपुर के ऊपर, पेंच नेशनल पार्क। तो कौन सी नदी भी हमने पढ़ी है? पेंच, पेंच, पेंच पढ़ी है ना। किसकी ट्रिब्यूटरी है? पेंच ऑफ वेनगंगा एंड देन फाइनली आई थिंक इनटू गोदावरी। ओके, ये है नवेगांव नागजिरा, नवेगांव नेशनल पार्क। ताडोबा अंधेरी, अंधेरी अंधेरी सुना है ना, मुंबई में है। यस सर, पर ये महाराष्ट्र, याद रख लो। ताडोबा अंधेरी, अंधेरी टाइगर रिजर्व, ताडोबा अंधेरी, अंधेरी। और ये चंदौली, चंदौली जूम करके देख लो है क्या, दिख तो रहा है, क्या है ये? वरना, कोई ना, वरना वो वाली होगी शायद, बट वरना का रिजर्वायर है ये, वरना का रिजर्वायर है यहाँ पे चंदौली के पास। कोयना वरना पंचगंगा दुग्धगंगा घटप्रभा मलप्रभा तुंगभद्रा घटप्रभा मलप्रभा तुंगभद्रा, कौन है ये सब? किसकी ट्रिब्यूटरी? ये सब राइट बैंक ट्रिब्यूटरी है कृष्णा की, कृष्णा की। तो कोयना ऊपर है, ये देखो, ये कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कोयना डैम, और ये नीचे वरना। तो चंदौली जो है वो वरना के पास है, है ना। ये तो हो गया संजय गांधी। यहाँ तो एक दो लेक है, मैं बाद में बता दूंगा। ये वंसदा याद है? वंसदा सबसे लास्ट वाला, सबसे ईस्ट वाला गुजरात का। चलते चलते भूलना नहीं है गुगामल। गुगामल के पास कुछ है, गुगामल के पास एक मेलघाट टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व में फिर से पढ़ना है तो जरा से देख लो, नजर डाल लो। गुगामल और मेलघाट एक साथ पढ़ना है, गुगामल के साथ मेलघाट टाइगर रिजर्व है। एम जी महात्मा गांधी गुगामल, एम जी मेलघाट टाइगर रिजर्व गुगामल, ठीक है। यहाँ कौन है? पेंच, पेंच में तो पेंच नदी होगी। अंधेरी, ताडोबा अंधेरी, नवेगा नागजीरा ऊपर है कि ताडोबा अंधेरी ऊपर है? नवेगा नागजीरा ऊपर है। क्या यहाँ? नवेगांव डैम, नॉट इम्पोर्टेंट। अरे ताडोबा अंधेरी, अंधेरी ताडोबा अंधेरी। चंदौली के पास क्या है? वरना। ये भी कुछ काम का नहीं है। महाराष्ट्र भी हो गया। देखो संजय गांधी, गुगामल, पेंच, नवेगांव नागजीरा, ताडोबा अंधेरी, चंदौली नीचे। वापस से कल देखेंगे। ये मुंबई, मुंबई में संजय गांधी, ये गुगामल, यहाँ पे मेलघाट टाइगर रिजर्व है, ये पेंच नेशनल पार्क, ये नवेगांव नागजीरा नेशनल पार्क, ये ताडोबा अंधेरी, अंधेरी चंदौली। संजय गांधी कौन है ये? कौन है ये? गुगामल, पेंच, नवेगांव, ताडोबा अंधेरी और चंदौली। इस पे हम लोग रुक जाएंगे वरना सब एक साथ बाहर आ जाएगा। हमने कितने कर लिए बस वो देख लेते हैं कल। इसको जरा मैप में देख के आना अपने अपने, ठीक है। लेफ्ट टू राइट, ईस्ट टू वेस्ट, ये हो गया। लद्दाख हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया, हिमाचल हो गया, उत्तराखंड हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, यूपी हो गया, बिहार हो गया, पूरा नॉर्थ ईस्ट हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना। अब हमारे बच्चे हैं साउथ के स्टेट्स, कर्नाटका, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 11 है, ऐसे ही हैवी नंबर्स में साउथ में भी है। हमने मेरे ख्याल से लगभग लगभग कितने कर लिए होंगे? नंबर तो यहाँ 79 प्लेसेस का बता रहा है, 109 में से 79 हमने देख लिए। कितने बचे? बस 40। कल फिर से देख लेंगे इनको, इनको फिर से देखेंगे कल। ये लास्ट वाले से शुरू करेंगे, जो हमने लास्ट में देखे इनसे फिर से शुरू करेंगे, ठीक है। यस सर, ओके। सो कल नहीं, एक्चुअली परसों करेंगे इसको। तो आपके पास टाइम है एक दिन का, आज तो सो ही जाओगे ये जो जागे। सर ये पूछना था सर, इसमें जो बनाना है ये गूगल मैप्स पे,
सर इसमें नेशनल पार्क का अलग बनाए, टाइगर रिजर्व का अलग अलग बनाए, बनाओ ये करें इस, कि सब एक में बनाए? नहीं, मेरे ख्याल से सबसे पहले ना नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व, इन सब का अलग अलग बनाओ, इनको अलग अलग याद करो, फिर यू हैव टू टेक अ प्रिंट आउट ऑफ फिजिकल मैप। उसमें जब आप मारना चालू करोगे ना, तो फिर जैसे मैंने बताया ना कि भूगमल यहाँ है तो मेलघाट भी यही है, फिर उसको डॉट डॉट में ऐड करना चालू करो, वरना वो बहुत ज्यादा खिचड़ी हो जाता है। अभी हमको एक एक लेयर तैयार करना है, ठीक है? पहले एक नेशनल पार्क का बनाओ, उसके बाद एक अलग से टाइगर रिजर्व का बनाओ, उसके बाद जब अपना मेंटल स्टेट उतना हाई हो जाए कि हम दोनों को एक साथ हैंडल कर सके, उसके बाद दोनों को क्लब करो। स्टार्ट में बोलूंगा दोनों अलग बनाओ, बाद में दोनों को एक साथ पढ़ना, कि चलो मुझे याद आना चाहिए कि मैंने नेशनल पार्क पढ़ा तो मुझे याद आएगा कि अरे इसके पास में एक टाइगर रिजर्व भी है। वो कब याद आएगा? जब मैंने टाइगर रिजर्व अलग से अच्छे पढ़े होंगे। पूरा एक साथ करने जाएंगे तो मुझे लगता है स्टार्टिंग में थोड़ा खिचड़ी हो जाएगा। अलग अलग दोनों रटो, और बहुत सारे नेशनल पार्क खुद ही टाइगर रिजर्व है, तो फिलहाल शुरू अलग अलग करो और फिर एक कर देना, लास्ट में एक करना, एक एक लेयर बनाओ। तो हमने 79 देख लिए हैं लगभग लगभग, ठीक है? तो यहाँ पे हम रोकते हैं, 40 यस ही सर, बचे हैं, कल उनको देखेंगे, इनको भी देखेंगे, उनको भी देखेंगे, और कल फिर हम टाइगर रिजर्व भी शुरू कर देंगे, ठीक है? चलो, यस सर, आई टेक योर लीव, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट। थैंक यू परसों, सर, ऑल दिस परसों, कल का दिन के लिए इसको रिवाइज कर लेना, बहुत फायदा मिलेगा, एक दिन रिवाइज कर लोगे तो। बाय। सर कल पॉल्यूशन